नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, कम्युनिटी के चैनल में। मैं और पेपर टू की में बात करूं तो सी सेट में आपके सौ सवाल होते हैं जिसमें थर्टी लाना आपको अनिवार्य होता है मैथ्स सेक्शन की यदि मैं बात करूं तो मैथ्स में आपके यहां पर पैंतीस क्वेश्चन आए टोटल थर्टी फाइव सवाल पूछे गए जिसमें आउट ऑफ हंड्रेड ठीक है तो देखिए आपका यहां पर मैं पहले इसका एनालिसिस भी आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक से कितने आए लेकिन उसके पहले इस पेपर में आपको 33 परसेंट लाना अनिवार्य होता है तो क्या सच में 33 परसेंट लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मैथ्स और रीजनिंग जो है वो डिफिकल्ट आया ऐसे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया बहुत लोगों ने हमसे पूछने की कोशिश भी की कि सर इसका आंसर क्या होगा उसका आंसर क्या होगा कई लोगों ने वीडियो सोल्यूशन का भी डिमांड किया तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपसे डिस्कशन करूंगा सारे वीडियो सोल्यूशन हर एक सवाल का मैं यहां पर दूंगा पैंतीस सवालों का ठीक है तो आपको यह समझना है कि साल भर साल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम तो सीसेट के पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट कराया जा रहा है ठीक है मैथ्स रीजनिंग को खास तौर से ठीक है तो जहां तक हमने जो एनालिसिस देखा था प्रीवियस ईयर में डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन जो है उसमें ज्यादा सवाल पूछे जाते थे लेकिन इस साल आप देखेंगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन से केवल चार सवाल है बाकी सवाल जो है आपके एल्जेब्रा ज्योमेट्री और मैं से पूछे गए और इसमें भी थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली आपसे यहां पर कोई सवाल नहीं पूछा गया है ठीक है और साथ में अगर हम बाकी टॉपिक्स में भी देखें तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस कम है ठीक है कुछ कुछ जगह पे फॉर्मूला बेस लग जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम इस लेवल

और अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो तीन सवाल थे जिसमें से एक सवाल आपके बोट ऑन स्ट्रीम का भी था टाइम एंड वर्क के दो सवाल थे एच सी एफ का एक सवाल था जो कि आपके रैशनल एक्सप्रेशन से रिलेटेड था यानी कि आपके बहुपद पॉलिनोमियल से रिलेटेड एच सी एफ एलसीएम का सवाल यहां पर पूछा गया था उसमें एक प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड एवरेज के दो सवाल थे मिक्सर का एक सवाल देखने को मिला ठीक है मीन मीडियन मोड का एक सवाल देखने को मिला डेटा इंटरप्रिटेशन जिसका हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा सवाल लगभग दस पंद्रह सवाल आते हैं यहां केवल चार सवाल आए मतलब कि सारे अलग अलग टॉपिक से आपको यहां पर सवाल देखने को मिला रेशियो की बात करें तो एक सवाल और साथ में एल्जेबरा के तीन सवाल ज्योमेट्री के दो सवाल मैं दो सवाल तो लगभग अगर आप देखेंगे तो यहां एस के पैटर्न में ही सवाल पूछे गए हैं ठीक ज्यादातर एस में ही क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग से रिलेटेड ऐसे सवाल नहीं आते तो पहले जो है सीजीपीएससी पहले जो प्रश्न पूछता था डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल ज्यादा पूछता था तो वो बैंकिंग में जैसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे पूछता था लेकिन जैसे ही आप देखेंगे ज्योमेट्री वो भी यहां में बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया थोड़ा सा डेप्थ लेकर आपको यहां पर कॉन्सेप्ट के जरिए पूछे गए सवाल थे ठीक है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे सारी चीजें मैं आपके साथ अब डिस्कशन करूंगा एक एक करके ठीक है सारे प्रश्न मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेरे पास जो पेपर यहां पर मुझे मिला हुआ है एक पेपर है मेरे पास जो कि सेट ए है ये क्या है सेट ए का पेपर है मेरे पास तो हो सकता है

में मतदाता की सूची में पंद्रह प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और अस्सी uh, मतदाताओं ने मत मत पत्र पर खाली वोट डाला था केवल दो उम्मीदवार ऐसे थे केवल दो उम्मीदवार थे विजेता की सूची में अंकित मतदाताओं को का फोर्टी सिक्स परसेंट का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे अपने प्रतिद्वंदी को 591 मत से अधिक मिले ठीक है और विजेता को मिले मतों का संख्या हमें ज्ञात करना है तो देखिए यहां से आप समझिए तो, वो 15, 15 तो वोट दिया ही नहीं था पंद्रह परसेंट लोगों ने वोट दिया ही नहीं था अस्सी वोट्स थे लेकिन ये अस्सी वोट्स क्या हुए अस्सी वोट ऐसे थे जो कि यहां पर गए तो वोट डालने के लिए लेकिन इन्होंने किसी का भी उसमें नाम नहीं डाला तो देखिए इस तरीके से कहानी चल रही है कि 100 परसेंट को हम टोटल मान लेते हैं जिसमें से 15 परसेंट तो गए ही नहीं वोट डालने 80 वोट गए लेकिन वो 80 जो थे वो उन्होंने किसी को वोट नहीं डाला इसके बाद जो बचे हुए वोट होंगे वो एक मिलेगा विनर को दूसरा मिलेगा लूजर को इस बात से सहमत है एक विजेता को मिलेगा दूसरा जो हार रहा है उस व्यक्ति को मिलेगा अब विजेता को यानी विनर को कितना प्रतिशत वोट मिला तो आप कहोगे सर 46% ऑफ द टोटल वोट्स मिला मतलब विजेता को मिलना चाहिए 46% और ये जो विनर है ये कितने वोट से जीत रहा है 591 वोट से जीत रहा है यहां पर देखिए 591 मतलब जो लूजर होगा उसको कितना मिलना चाहिए 46% 591 इतने वोट मिलने चाहिए कि नहीं बराबर तो अब यहां से आपको एक चीज कॉन्सेप्ट आप याद रखिए परसेंटेज को परसेंटेज से जोड़ा घटाया जा सकता है वर्ड्स को वर्ड से जोड़ा घटाया जा सकता है परसेंटेज और वर्ड्स को जोड़ने घटने जोड़ने और घटाने की गलती मत करना ठीक है तो अब देखिए इस 15% को दूसरी तरफ लेकर आएंगे कितना आ जाएगा 85% है। और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है 46 46 यानी 92% है ये 80 वोट प्लस में है वो माइनस का 591 माइनस में है मतलब दोनों को माइनस ही करना होगा और क्योंकि ये वाला वैल्यू बड़ा है तो ओवरऑल माइनस का 511 आएगा मतलब इन दोनों का डिफरेंस हो गया सात परसेंटेज जिसका वैल्यू था 511 करेक्ट सात परसेंटेज वोट का वैल्यू है 511 सवाल में आपको क्या पूछना है फाइंड द नंबर ऑफ वोट विनर गॉट ठीक है कई बार आपसे सौ पूछता है लेकिन यहां क्या पूछा आपको विजेता को मिले मतों की संख्या ज्ञात कीजिए आपको निकालना अब विजेता को कौन सा वोट मिला था? बड़ी बात नहीं है क्योंकि हम जानते हैं अगर सात परसेंटेज इतना है तो एक परसेंटेज जो होगा पांच सौ ग्यारह डिवाइडेड बाय सात हो गया एक परसेंटेज का वैल्यू निकालना किसका मल्टीप्लाइडी तो बस इतना ही करना था, चलिए सॉल्व करिए अब अगेन यहां पर आप देखेंगे तो कैलकुलेटिव सवाल है लेकिन आप यहां देखिए इसका इकाई का अंक जो है इसको हमें काफी क्लोज देता है तो अगर मैं यहां से पूरा सॉल्व ना करके केवल देखूं कि से इसको काटने पर कितना आएगा बार 49 से जा रहा है तो 3। अब इकाई का अंक देखिए यहां पर तीन है या छह है और तीन और छह को मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में अठारह बनेगा मतलब इकाई का अंक तो आठ आएगा और एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक आठ है तो सवाल का उत्तर हो जाएगा ए क्लियर चलिए प्रश्न देखते हैं जो सवाल है तो देखिए लैडर फ्रैक्शन में आप देखिए यहां पर जो चीजें है ट्वेंटी नाइन बाई वन थर्टी सिक्स आप देखेंगे ये नीचे की ओर इस तरीके से अरेंज है तो हमको भी क्या करना है इस ट्वेंटी नाइन बाय वन थर्टी सिक्स को नीचे की ओर ऐसा अरेंज करना होगा ठीक है चलिए समझते हैं इसको कंपेरिजन कैसे करना है ठीक है तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड सवाल है आप देखिए यहां ट्वेंटी नाइन है और यहां वन है तो ये दोनों सेम नहीं है तो मुझे क्या करना है यहां वन बनाने के लिए मैं इसे क्या कर दूंगा इसे लिखूंगा इस तरीके से ठीक है डिवाइडेड बाय बाय इसको मैं इस तरीके से तोड़ लूंगा और जैसे ही मैंने ऐसा तोड़ा ठीक तो आपको देखना है यहां पर वन तो ठीक है लेकिन अगला वैल्यू ए प्लस वन बाय समथिंग है ए प्लस वन बाय समथिंग है कि नहीं मतलब मुझे यहां पर इसे काटना होगा और ट्वेंटी नाइन से इसको काटोगे तो ट्वेंटी नाइन इंटू फोर जो होता है यह होता है एक सौ सोलह एक सौ सोलह यहां पर कट जाएगा शेष यहां पर बचेगा बीस ठीक तो है तो ट्वेंटी पर यह जो वैल्यू है चार बार कटेगा चार चार सही क्योंकि बार कट जाएगा एक सौ सोलह से प्लस यहां जो वैल्यू आ रहा है वह ट्वेंटी बाई ट्वेंटी नाइन मतलब अब सेकंड वाले में आप देखिए फिर से यहां पर वन है तो आप यहां पर बीस नहीं डाल सकते आपको यहां वन बनाना होगा वन बनाने के लिए इस बीस को मुझे वापस नीचे लाना होगा मतलब मैं इस फ्रैक्शन को कुछ इस तरीके से लिखूंगा वन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी नाइन बाय ट्वेंटी ठीक इसके बाद आप देखिए यहां पर बी है और बी प्लस थ्री समथिंग है तो यहां से मुझे इसे फिर से मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना होगा तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकलोगे इसको काटना होगा एक बार कटेगा और शेष आपका बचेगा नौ एक सही नौ बटा बीस ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसको एक बार काटोगे बीस से शेष नौ बचेगा तो ऐसा आ गया ठीक लेकिन इसके बाद वाले स्टेप में आप थोड़ा सा चौकन्ना रहिए कि तीन यहां पर आपको ऊपर ही छोड़ना है ये नौ क्या होता है नौ होता है तीन गुणे तीन तो एक तीन को मुझे ऊपर ही छोड़ना होगा केवल एक मात्र तीन मतलब यहां वाले स्टेप में आपको और ज्यादा चौकन्ना रहना है क्योंकि यहां नीचे आपका पांच से डिवीजन हो रहा है ठीक इसको समझिएगा यहां से जैसे सॉल्व करूं तो देखिए बीस का मतलब एक तरीका तो छे प्लस दो बटा तीन छह प्लस दो बटा तीन ठीक है यहां पर क्या था ट्वेंटी बाय थ्री था तो ट्वेंटी बाय थ्री नॉर्मली काटोगे तो छह बार अट्ठारह से कटा शेष बटा दो बटा तीन यहां पर भी थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी लेवल इसने बढ़ा दी क्योंकि देखिए इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे इसको वन बाय थ्री करोगे और आप देख रहे हैं यहां पर डिनोमिनेटर क्या है पांच है तो अगर यहां पर मुझे डिनोमिनेटर पांच चाहिए तो यहां पर छह बार बांटने से बात नहीं चलेगी इसे मुझे पांच बार ही बांटना होगा क्योंकि जैसे ही मैं पांच बार बांटता हूं तो पंद्रह कट गया शेष आगे बटेगा पांच बटे तीन तभी जाके इसका रिवर्स करने पर यहां पर डिनोमिनेटर में पांच बनेगा मतलब ये जो छह प्लस दो तीन हमने किया यहां से आपको थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेट करके इसे लिखना होगा फाइव यहां पे पांच लिखना होगा प्लस इसे क्या करना होगा तो यहां पर फाइव बाय थ्री करना होगा क्योंकि फाइव प्लस फाइव बाय थ्री का मान भी यही होता है तो हमने जो छह बार काटा इसको ये ज्यादा हो गया इसमें हमको कम काटना है यानी पांच बार काट के पांच बटा तीन लिख सकते हो इससे क्या होगा इससे जो आखिरी वाला स्टेप है यानी सी का मान तो ये हो गया प्लस लास्ट वाला जो स्टेप है ये हो जाएगा एक बटा तीन बटा पांच तो पांच बटे तीन को हम तीन बटा पांच लिख सकते हैं डिवीजन में करेक्ट तो यहां से आप देखिए तीन बटे पांच है ये डी माइनस दो बटा पांच, पांच लिखना बहुत आसान है क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं तो इसको इस तरीके से से तोड़ा जा सकता है एक दो पांच. अब आखिर नंबर तक आप पहुंच गए यहां से आपका काम आसान है कि ए बी सी डी का वैल्यू बताइए क्या होगा क्योंकि देखिए आप बस कंपेयर करिए यहां से यहां से जैसे आप कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा पता चल रहा है ए का वैल्यू चार बी का वैल्यू है एक ठीक है सी का वैल्यू क्या है तो पांच और डी का वैल्यू क्या है एक यहां पर, चार तो बीस बन जाएगा। प्लस टू, तो तो टू। माइनस चार सी पूछा तो चार इंटू सी करोगे पांच तो आएगा प्लस डी का वैल्यू वन है तो यहां से वन आ जाएगा प्लस का ट्वेंटी माइनस का ट्वेंटी कट गया टू प्लस वन होता है थ्री तो आंसर इस सवाल का हो जाएगा थ्री जो कि यहां का सही उत्तर है यहां तक क्लियर हो गई बातें समझ में आ गई कैसे इसको सॉल्व करना है लैडर फ्रैक्शन है उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसने बढ़ाया है क्योंकि क्योंकि यहां यहां पर पर आप आप जाके फंस जाएंगे देखेंगे पांच प्लस लिखा होता वैल्यू को तो यहां से वैल्यूज जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि यहां पर दो बटा तीन आ रहा था आपको यहां पर दो बटा पांच दिया हुआ है तो कैसे इसको कंपेयर करें यहां पर फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए यहां प्रॉफिट एंड लॉस के जो तीन सवाल आए उसमें आपके ज्यादातर सवाल जो देखने को मिले डिस्काउंट से पूछे गए पिछले वर्ष तक एक भी सवाल आपका डिस्काउंट का नहीं पूछा जाता था लेकिन इस वर्ष जो है आपके डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल पूछने लगे गए हैं बोला गया इफ द डिस्काउंट ऑन अ बुक इज फोर्टी परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड द डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज देन फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कॉस्ट प्राइस तो देखिए यहां से जो सवाल है इसमें भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये क्यों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसको समझिए देखिए कभी भी डिस्काउंट जो है वो 40 परसेंट हमेशा अंकित मूल्य का दिया जाता है ठीक है यहां पर दिया यदि पुस्तक पर छूट विक्रय मूल्य का यानी सेलिंग प्राइस का का 40 है छूट का जो प्रतिशत होता है यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे लगता है मार्क प्राइस पर लेकिन इस सवाल में बोला गया किस पर तो सेलिंग प्राइस पर एकमात्र कहानी आपको यह याद रखना है कॉस्ट प्राइस जो है इसमें जब मार्कअप परसेंटेज बढ़ाया जाता है मार्कअप परसेंटेज जब इसको बढ़ाओगे तो मार्क प्राइस आएगा। इसमें से जब आप डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो आता है सेलिंग प्राइस अब ये जो सेलिंग प्राइस डिस्काउंट जो होता है, हमेशा पर होता, है। ये हमेशा का होता है लेकिन सवाल में बोला तो है और यहां से प्रॉफिट बढ़ाने पर भी आपका जो है वैल्यू एसपी uh, बनता है तो ये रिलेशन आपको याद रखना है इसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मुलेस बनते हैं ठीक अब देखिए यहां पर चालीस परसेंटेज किसका दिया सेलिंग प्राइस का तो मैं मान लूंगा सो सेलिंग प्राइस को 100 मानने पर हमारा जो डिस्काउंट आएगा वो 40 आएगा क्योंकि डिस्काउंट 40 परसेंट किसका है सेलिंग प्राइस का है। और मार्क प्राइस क्या होता है मार्क प्राइस में डिस्काउंट माइनस करने पर इतना वैल्यू बनता है मतलब मार्क प्राइस 140 होना चाहिए क्योंकि 140 में जब आप 40 माइनस करोगे तो इतना आएगा ना या ऐसे समझिए सौ प्लस चालीस करने पर आपका अंकित मूल्य आएगा ठीक यहां तक सवाल समझ में आ गया अब देखिए हमको निकालना क्या है भाई हमको निकालना है डिस्काउंट ऑफर्ड टू द कॉस्ट प्राइस मतलब डिस्काउंट अनुपात यानी कि जो छूट दी गई डिस्काउंट अनुपात हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ठीक है क्रय मूल्य और आपको यहां पर डिस्काउंट तो दी गई छूट का क्रय मूल्य के साथ अनुपात निकालना है डिस्काउंट अनुपात क्रय मूल्य अब देखिए कॉस्ट प्राइस के लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब क्या होता है जितना डिस्काउंट दिया बटा यहां पर जो मार्क प्राइस है यानी डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है तो डिस्काउंट यानी चालीस डिवाइडेड बाय एक सो चालीस मल्टीप्लाइड बाय सो इससे निकलता है और ये बराबर प्रॉफिट परसेंट है अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है जितना प्रॉफिट मिला डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय सो तो यहां से आपके पास प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का अनुपात निकल के आ जाएगा कि इसका जो अनुपात है वो कितना है तो देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूं सौ और सौ कर गया। इसको अगर 20 से काटोगे तो दो अनुपात सात आ रहा है मतलब ये दो अनुपात सात में है मतलब ये अगर सात है तो प्रॉफिट दो यूनिट का है इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो सात प्लस दो हो जाएगा क्योंकि सात क्रय मूल्य है दो यूनिट का प्रॉफिट है तो हमारा सेलिंग प्राइस नौ यूनिट का बन जाएगा क्या आप यहां से अब इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्योंकि सेलिंग प्राइस हमने सौ माना हुआ है जिसका वैल्यू नौ यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस का मान कितना आ जाएगा देखिए डिस्काउंट तो फिक्स्ड है चालीस यूनिट का अनुपात कॉस्ट प्राइस निकालना है अब देखिए नौ यूनिट बराबर सौ है मतलब एक यूनिट बराबर हो जाएगा सौ बटा नौ मल्टीप्लाइड कॉस्ट प्राइस चाहिए था तो सात से इसको गुणा कर लीजिए बस यही है उसका उत्तर ठीक अब इसको सॉल्व करने के लिए चालीस जो है इसको बीस से काटेंगे दो बार कटेगा ये पांच बार कटेगा अब क्योंकि यहां नौ है इस नौ को दूसरी तरफ भेजेंगे तो अट्ठारह अनुपात कितना हो जाएगा पैंतीस हो जाएगा

एयरफेयर ऑफ बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमिक क्लास आर इन द रेशियो सेवन टू बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास के हवाई किराए का अनुपात दिया हुआ है। है? का अनुपात है, अनुपात दो है है बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक साथ में आपको दिया हुआ क्लास द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या इतना है अब यहां पर गलती करने की चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि पहली बार में बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास दिया सेकंड लाइन में आप आए तो इकोनॉमी और बिजनेस उल्ट उलट के लिख दिया तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि यहां जो नंबर ऑफ लोग हैं उसको उल्टा लिखना होगा बिजनेस नंबर नंबर ऑफ ऑफ जो जो बिजनेस में थे और इकोनॉमिक्स इकोनॉमी क्लास में थे ये उल्टा होगा ठीक तो ये पांच अनुपात छब्बीस लिखना होगा फाइव टू ट्वेंटी क्योंकि इसने रेशियो यहां पर जो है उलट के लिखा है पहले में बिजनेस इकोनॉमी लिखा और सेकंड लाइन में कंफ्यूज करने के लिए इकोनॉमी बिजनेस थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है ऐसे पलों पर अब आपसे बोल रहा है कि फेयर बताइए कितना हुआ फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बिजनेस क्लास पैसेंजर अब देखिए टोटल जो होगा बिजनेस का और इकोनॉमिक्स का ये कैसे होगा इकोनॉमी वालों का कैसे निकाला जाए देखिए ये जो किराया है ये एक एक व्यक्ति का किराया है सात रुपया और दो रुपया ठीक है मतलब ये एक यूनिट है सात यूनिट और दो यूनिट ठीक और साथ में यहां दिया हुआ है कि पांच लोग यहां पर ट्रैवल कर रहे हैं छब्बीस लोग यहां पे तो डायरेक्टली आपको क्या करना होगा पांच गुणा सात करना पड़ेगा क्योंकि पांच लोग अगर ट्रैवल किए सात सात रुपया लिया तो पैंतीस रुपया टोटल हो जाएगा बात समझ में आ रही है तो यहां जितने लोग हैं मल्टीप्लाइड एक व्यक्ति का किराया को गुणा करने पर टोटल कितना खर्च हुआ यह समझ में आएगा तो इसका मतलब इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर पैतीस और यहां पर पावन फिफ्टी टू आएगा ठीक अब यहां दिया क्या है आपको यदि कुल संग्रह जो हुआ वो इतने का था तो बिजनेस क्लास वालों की यात्रा बताना है। तो बिजनेस क्लास वाले कितने और गुणे में टोटल वैल्यू कितना है तो ये है वन जीरो सेवन डबल फोर फाइव ठीक अगर इसको सॉल्व किया जाए ठीक तीन से काट लेते हैं पहले तो ट्वेंटी नाइन आएगा इसको मैं तीन से काटने की कोशिश करूं तीन बार जाएगा फिर सत्रह आ रहा है तो पांच बार पंद्रह दो बार जा रहा है आठ से फिर एक और पांच ठीक इतना आएगा अगर उनतीस से काटे एक बार कट जाएगा उनतीस से ठीक इसके बाद आपका रिमाइंडर बचा सिक्सटी एट का तो सिक्सटी एट का मतलब कितने बार जाएगा अगर यहां से हम देखें सिक्सटी एट आ रहा है ठीक है तो टू टाइम्स जाएगा यह फिफ्टी एट से फिर दस बचा तो एक सौ दस जो है यह तीन बार कटेगा एटी सेवन से फिर वन फोर्टी फाइव आ रहा है तो पांच बार जाएगा यहां तक क्लियर हो गया चीजें मतलब वन टू थ्री फाइव आ रहा है अब देखिए वन टू थ्री फाइव का कैलकुलेशन कितना हो जाएगा टोटल तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो देखिए पैतीस और हजार को मल्टीप्लाई करोगे पैंतीस हजार आएगा फिर पैंतीस और दो सौ को मल्टीप्लाई करोगे सात हजार आएगा पैंतीस इंटू पैतीस कितना होता है 1, 2, 2, होता है ठीक इसको जोड़ लीजिए तो यहां पच्चीस एक दो और आ रहा है ये आठ प्लस ये तीन हो जाएगा तेरह फोर थ्री डबल टू फाइव तो फोर थ्री डबल टू फाइव वाला ऑप्शन जो है डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चलिए यहां से अब जो प्रश्न है इसमें बोला जा, जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है स्क्वायर रूट है 372 का अब आपको समझना चाहिए यहां पर कि स्क्वायर रूट जो है 372 तो ठीक है क्लियरली समझ में आता है कि रूट ओवर थ्री देता तो आप बोलते हैं कि भाई ये तो उन्नीस है और अगर रूट ओवर चार देता तो आप बोलते हैं बीस है मतलब अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो ये दोनों जो इन दोनों के बीच में लाया करता है रूट ओवर 3, मतलब हम जो गणना करेंगे प्राकृतिक संख्याओं की वो गणना स्टार्ट होगी से क्योंकि इसके बाद अगला प्राकृतिक संख्या बीस आता है तो बीस फिर इक्कीस फिर बाईस ऐसा चलते रहेगा लेकिन कहां तक चलेगा सेवन फोर सिक्स टू नाइन के पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वहां तक चलेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना हमें आना चाहिए क्योंकि इसका स्क्वायर रूट यदि हम निकालना सीख गए तो आप इस तरीके के प्रश्नों को पूरा सॉल्व कर पाएंगे अब देखिए सेवन क्या है फोर सिक्स टू नाइन कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है दो दो का आपको यहां पर पैर बना देना है तो एक वैल्यू यहां पर अकेला बच गया अब सात से छोटा सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है चार है तो आप क्या लिखेंगे यहां पर दो गुणे दो ये हो गया चार बार कटेगा माइनस करने पर यहां पर आ जाएगा तीन ठीक है इसके बाद फोर्टी सिक्स पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा अब दो प्लस दो होता है चार तो यहां पर चार लिखेंगे अब चार में आपको ऐसा नंबर लेना है जो यहां पर सपोज करिए फोर्टी वन मल्टीप्लाइड बाई फोर्टी वन करने पर यहां पर सबसे बड़ा वैल्यू दे जो इससे छोटा हो ऐसा वैल्यू आपको खोजना है तो यहां पर ही चार आ गया अब खुद बताइए फोर्टी एट इंटू फोर्टी एट करने पर कितना आएगा ये बन जाएगा सिक्सटी फोर हो जाएगा थर्टी टू प्लस सिक्स करने पर थ्री एटी फोर आ रहा है जो कि बड़ा है मतलब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया मतलब शायद फोर्टी सेवन से काम चल जाएगा फोर्टी सेवन इंटू सेवन करने पर यहां फोर्टी नाइन आएगा यह हो गया ट्वेंटी एट प्लस फोर करोगे तो यहां पर थर्टी टू आएगा मतलब यहां पर सेवन यहां पर भी सेवन मतलब कितना तो ये हो गया थ्री ट्वेंटी नाइन ठीक थ्री ट्वेंटी नाइन मतलब यहां तक सही है तो टू सेवन और तीसरे डिजिट के लिए एक और बार आपको आगे जाना होगा चलिए पहले उसको देखते हैं कितना आ गया यहां पर माइनस करोगे तो यहां सात आएगा ठीक सात आ गया और यहां से थर्टी फोर है सोलह बन गया थर्टी थ्री एक माइनस करने पर सत्रह आ जाएगा ठीक वन सेवन टू नाइन आ रहा है अब आखिरी वैल्यू के लिए फोर्टी सेवन में इस सात को जोड़ना होता है फोर्टी सेवन में सात जोड़ोगे तो फिफ्टी फोर आएगा अब क्लियरली बताइए कि यहां अब तीसरा नंबर क्या हो क्योंकि अगर मैं फिफ्टी थ्री से आगे जाऊं फिफ्टी फोर करूं तो दो हजार से ऊपर हो जाएगा तो फिफ्टी थ्री यहां पर आगे आएगा मतलब टू सेवेंटी थ्री तक ये जाएगा टू सेवेंटी थ्री से आगे नहीं जा सकते आप लोग देखना टू सेवेंटी थ्री का स्क्वायर करोगे इससे छोटा आएगा टू सेवेंटी का फोर फोर यानी टू सेवेंटी फोर का स्क्वायर करोगे इससे बड़ा आएगा इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है ठीक है ये आपको बस ये बता रहा है कि इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर टू सेवेंटी थ्री का क्योंकि इससे तीन गुना करिए नाइन ना आएगा ठीक बारह यहां पर और पंद्रह प्लस एक हो गया सोलह माइनस करने पर सो आ रहा है और अगर आपको एग्जैक्ट नंबर भी चाहिए तो सौ को इसमें से माइनस कर देना सेवन फोर फाइव टू नाइन आएगा क्योंकि सौ एक्स्ट्रा बच रहा है तो सौ माइनस करोगे सेवन फोर फाइव टू नाइन आएगा जो 273 का हुआ। मतलब आपका जो सवाल है वो यहां पर है कि इन सभी संख्याओं का टोटल कितने नंबर है क्योंकि हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन दीज टू था तो बीस इक्कीस बाईस से टू सेवनटी थ्री तक जाएगा क्लियर अब देखिए यहां से इसका मतलब यह है मुझे टू सेवनटी थ्री माइनस क्या करना है बीस को तो इंक्लूड करना देता हूं टू फिफ्टी फोर आएगा तो इन सभी की संख्या जो है टू फिफ्टी फोर है ठीक तो बीस सवाल का सही उत्तर है क्लियर चलिए अगला सवाल देखते हैं ये जो है एलजेबरा से रिलेटेड प्रश्न है एलजेबरा ठीक एल्जेब्राउंड अब देखिए ये एल्जेबरा से रिलेटेड प्रश्न है ये तो ठीक है लेकिन अब सॉल्व करें तो कैसे करें तो ये एक्चुअली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय बहुपद बहुपद ठीक है तो द्विघातीय बहुपद के बारे में मैं थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन फटाफट कर लेता हूं ठीक है तो आपको समझ में भी आएगा कि मैं अभी जो करूंगा वो क्या है ठीक है अगर कोई द्विघातीय बहुपद दिया हुआ plus BX plus C है ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसके रूट होते हैं या इसको हम शून्य कहते हैं इसके जो रूट होते हैं या मूल भी आप कहते हैं हिंदी में ठीक है या रूट्स या फिर कहीं कहीं पे जीरोस या शून्य भी कहते हैं मान लेते हैं कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है माइनस बीबाए ठीक पहला रूल दूसरा रूल कहता है कि अल्फा बीटा जो होता है ये होता है सी बाय दूसरा रूल मतलब कि इन दोनों का जो मूल है इसके मतलब द्विघाती है तो इसके दो रूट होते हैं दो ऐसे वैल्यूज जो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं यानी कि सेटिस्फाई करते हैं तो अगर वो अल्फा बीटा है अल्फा प्लस बीटाइन बी बाई ए आपको फिर से लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं की जगह अब आ जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा ठीक है बहुत ज्यादा डिटेल में मैं यहां पर नहीं जाऊंगा और यहां पर जो है आप बस डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं कि आप इसी इक्वेशन को अल्फा बीटा के टर्म्स में यदि लिखे तो प्लस बीटा इंटू बीटा इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं अब चलते हैं सवाल में वापस उस सवाल को समझिए तो दिया क्या है वह है यहां इस सवाल को यदि आप देखेंगे तो सवाल कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है ठीक समीकरण के मूल है और साथ में बोल रहा है वह समीकरण का मूल वह समीकरण क्या है जिसका मूल क्या है अल्फा क्यूब बटा बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब बटा अल्फा स्क्वायर यह हमें बताना है ठीक है चलिए पहले समझ लिया सवाल अब यहां से हमें इसको हल करना है तो सबसे पहली बात यहां पर अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन में आप बताइए अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या कहा माइनस बी बाय माइनस बी का मतलब यहां टू है, तो माँणस माँणस प्लस टू हो जाएगा बटे में वन है तो यहां वन आएगा अल्फा बीटा का मान क्या होता है तो अल्फा बीटा का मान मैंने कहा सी बाय तो माइनस वन दिख रहा है मतलब इसका वैल्यू माइनस वन होगा तो हमने अल्फा बीटा का मान निकाल दिया हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दिया सवाल में ये बोल रहा है आप ऐसा समीकरण बताइए जिसका रूट ये होगा तो मैंने आपको बताया अगर रूट ये है तो इक्वेशन कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा तो मैंने क्या कहा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगा जब रूट ही ये हो गया अल्फा क्यूब बटा बीटा स्क्वायर तो इसकी जगह पे यह आएगा ठीक है और यहां एक्स प्लस लास्ट में इन दोनों का गुणज इन दोनों का गुणज मतलब इंटू बीटा क्यूब बाय अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए अब देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायेयर जो है ऊपर वाला एक एक बार कट जाएगा थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो तो कुछ और नहीं बच रहा बस अल्फा बीटा बच रहा है यहाँ पे ठीक तो अल्फा बीटा बच रहा है मतलब यहाँ सी का मान क्या कर रहा है अल्फाबीटा कर रहा है मतलब इन दोनों के जगह पर डायरेक्ट माइनस वन आ जाएगा तो तीनों में माइनस वन है यहाँ से तो आपको कोई हेल्प नहीं हुआ ठीक पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा इसका मान निकालना होगा अब इसका मान भी यदि निकालना लू तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा ये बन जाएगा ऊपर अल्फा के घात पांच प्लस बीटा के घात पांच करेक्ट मतलब कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर जो मान निकालनी है आपको वो बस यही है कि अल्फा के घात पांच प्लस बीटा के घात पांच

देखिए आपने ये फॉर्मूला तो देखा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बीस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले को तो आपने कई बार देखा होगा मैंने बस इतना ही किया कि इस टू ए बी को उठा के दूसरी तरफ ले आया मतलब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां तो इसका स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इतना

यहां तक क्लियर अब मुझे चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकाला जाए इसका फॉर्मूला कैसे आ गया देखिए आप ये फॉर्मूले तो जानते होंगे हु, कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा टू अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला आप लोग जानते तो मैंने क्या किया? बस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब चाहिए तो मैंने इस चीज को पूरा उठा के दूसरे तरफ यहाँ ले आया क्लियर तो यही चीज मैंने यहां पे किया अगर मैं यहां पर इसका पूरा सॉल्यूशन निकालू देखिए ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कर रहा हूं लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे सोल्व नहीं करना तो यह मैं सोचना कि इतना ज्यादा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि तो मैं यहाँ पर सारी चीजें समझा रहा हूँ कि यहाँ पर सबको समझ में आए और यहां अल्फा प्लस बीटा तो दो का क्यूब डायरेक्टली आपको इतना ही पेन चलाना है दो का क्यूब होता है आठ ल्फा बीटा करोगे तो प्लस वन हो जाएगा ये और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू टू है तो यहां से टू मल्टीप्लाई होगा मतलब आठ प्लस छ हो गया चौदह आठ प्लस छ हो गया चौदह मतलब ये जो है इसका पूरा मान क्या है तो तो है ठीक अब समझिए यहां से करें तो क्या करें क्या हमारे पास दो चीजें आ गई एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मुझे चाहिए अल्फा के घात प्ला, पांच प्लस बीटा के घात पांच तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को गुणा कर लूंगा जैसे इन दोनों को गुणा करूंगा तो यहां अल्फा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा के घात पांच आएगा प्लस बीटा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो बीटा के घात पांच आएगा अब बाकी चीजें क्या होंगी एक बार अल्फा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा बीटा क्यूब क्यूब से तो अल्फा स्क्वायर बनाएगा और एक बार मल्टीप्लाई होगा इससे तो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर बनाएगा ठीक और यहां पर आ जाएगा छह इंटू इतना मतलब ये हो जाएगा आपका 84। अब आप खुद सोचिए यहां अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को यदि मैं दोनों को इन दोनों टर्म से कॉमन निकालू क्या कॉमन निकालू अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को यदि मैं कॉमन निकालू तो अंदर अल्फा प्लस बीटा बचेगा कि नहीं ठीक से अल्फा अल्फा के के घात घात और बीटा का स्कौर बीटा, स्कौर की का की तो बीटा का वैल्यू तो आ मतलब बीटा का जाएगा क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर एटी फोर माइनस टू जो कि हो एटी टू ठीक है तो इसका मान है एटी टू तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एक्स स्क्स एटी टू एक्स और प्लस का यहां पर मैंने आपको बताया सॉरी माइनस वन आएगा क्योंकि इसका वैल्यू माइनस वन है इज इक्वल टू जीरो तो ये इसका रूट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर एक्चुअली थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल्जेबरा पूरे एस एस सी के सिलेबस के ऊपर सवाल पूछे गए तो यहां पर क्योंकि आप लोग को मैंने चीज़ें को एक्सप्लेन करना है इसलिए मैंने बहुत धीरे करके समझाया क्योंकि ये कुछ रिजल्ट है ऐसे जो एल्जेबरा में डायरेक्टली आपको पते होने चाहिए ठीक तो डायरेक्टली आप सॉल्व करेंगे तो फटाफट हो जाएगा आपको ये रिजल्ट बस याद होने चाहिए ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि सवाल जो है वो सोल्वेबल पेपर में आपका टारगेट ये नहीं था कि आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं आपका टारगेट था भाई कि हमें 33 लाना है तो आप उन सवालों को चुनिए जो आप सॉल्व कर सकते थे क्योंकि आप लोग से बना नहीं है ये सब कुछ तो मैं यहाँ पर बाकी चीजों को भी बता रहा हूं सारे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ लेकिन आप ये समझिए कि आपको थर्टी परसेंटेज लाना आपका टारगेट है ठीक इस सवाल को देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अगेन ये ज्योमेट्री में है और थोड़ा डेप्थ वाला क्वेश्चन है यानी कि ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछ लिया थोड़ा सा डेप्थ में जाके पूछा है तो देखिए इस सवाल में भी बहुत सारे तरीके हैं इस सवाल को ट्रिग्नोमेट्री प्लस ज्योमेट्री का एक सोल्यूशन बना जा, बनाया जा सकता है ठीक है जिसमें कि आप साइन थीटा वगैरह लगाकर फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं अभी यहां पर ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वाला सोल्यूशन ना बताकर आपको नॉर्मल ज्योमेट्री वाला ही बताऊंगा ठीक है क्योंकि आपको क्या करना था आपको ये जो टी एक्स वाई दिख रहा है टी एक्स वाई दिख रहा है इसका आपको एरिया निकालने को कहा गया है और उसके रिलेशन में कुछ चीजें दी हुई है ए रूट थर्टी का मान क्या है देखिए समझिए पर क्या है, है? है, है।, है वृत्त का केंद्र है, है। A, और जो दिया है मतलब, मतलब, आठ सेंटीमीटर दिया हुआ है साथ में आपको बोल रहा क्या है तो टी एक्स वाई का एरिया ए है तो आपको ए बटा रूट तीस क्या है निकालना है चलिए इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई कर लेता हूं ताकि चीजें और थोड़ा क्लियर हो जाए देखिए इस सवाल में क्या करना था हमें समझिए कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं एक राइट एंगल राइट एंगल एंगल मतलब त्रिभुज में A, B, C, जो 90 डिग्री होता है ठीक ये जो अगर 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है इसमें ये परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटन्यूज होता है ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है तो इसे हम कहते हैं पैथोगोर थ्योरम और इसको फॉलो करने वाले बहुत सारे नंबर है जिसमें से एक नंबर है आठ पंद्रह सत्रह आठ पंद्रह सत्रह और ये सवाल जो इसी के ऊपर बेस्ड है सवाल ये है कि भाई यहां पर जो है ये 90 डिग्री बनता है क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या होता है और स्पर्श रेखा होती है ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर मीट करते हैं आपको सवाल में दिया है कि टीओ का मान 17 है और त्रिज्या जो है ये 8 है तो 8 15 17 देखते साथ समझ में आता है कि 8 ये है 17 ये है तो तीसरा वाला जो साइड है ये टी एक्स वाला जो साइड है पंद्रह होगा

बी स्क्वायर पी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर तो इसका हम फायदा यहां पर उठाएंगे क्योंकि आपको किसका एरिया निकालना था भाई इस सवाल में हमें जो एरिया निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है आपको किसका एरिया निकालना है ये वाला एरिया आपको निकालने को कहा गया ठीक है तो इस एरिया को निकालने के लिए आपको तरीके बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी आपको जो सबसे आसान तरीका यहां पर है उसको बताने की कोशिश करूंगा इसका जो अनुपात होता है ये पी स्क्वायर अनुपात एच स्क्वायर होता है तो अगर आपको यहां पर समझना होगा ये जो है ये एक्चुअली 90 डिग्री पर करते हैं ये है क्या कौन सा फिगर अगर आप यहां पर इस फिगर को देखें इसको हम कहते हैं काइट यानी पतंग ये क्या है पतंग है पतंग पतंग है ये। इस फिगर को हम क्या कहते हैं पतंग यानी कि काइट काइट का प्रॉपर्टी ये होता है कि इसके एडजेसेंट साइड इक्वल होता है, ये जो टी है और टीवाई है ये दोनों इक्वल है और साथ में इस त्रिज्या को भी देखा जाए तो ये इक्वल है तो ये क्या बन गया काइट बन गया ऐसा कोई भी फिगर जो होता है वो काइट होता है इसमें जो इसके डायगनल होता है नब्बे डिग्री पर काटते हैं मतलब जैसे ही मैं इसके विकर्णों को यानी कि इसके विकर्णों को जोड़ दूं तो नब्बे डिग्री पर कटेंगे मतलब आपने क्या किया आपने इसके नाइन्टी डिग्री से एक और नाइन्टी डिग्री ड्रॉ कर लिया मतलब अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए यहां से इस पॉइंट को अब मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट है जेड ये पॉइंट कौन सा है जेड है ठीक है तो ये जो ओ अनुपात

ये जो पतंग बन गया है काइट जो बन गया है इस पतंग का पूरा एरिया हो जाएगा इसका दुगना एरिया और इसका दुगना एरिया कितना होगा तो आठ इंटू पंद्रह हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है ठीक मतलब 120 यूनिट का पूरा एरिया हो गया यहां टी एक्स ओ वाई का टी एक्स ओ वाई का लेकिन आपको यह समझना है कि इसका बेस जिस रेशियो में कट रहा है सिक्सटी फोर इस टू टू ट्वेंटी उसी रेशियो में कटेगा क्योंकि कि, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस इंटू हाइट और आप यहां पर देखेंगे कि हाइट यहां पर यह है जो कि कॉमन है इस छोटे ट्रायंगल के लिए और इस मोटे ट्रायंगल के लिए दोनों के लिए तो जिस अनुपात में इसका बेस है जो कि सिक्सटी फोर इस टू टू ट्वेंटी फाइव उसी अनुपात में दोनों के, दोनों के दोनों कटेंगे मतलब यहां से अगर मुझे जो एरिया चाहिए वो एरिया था ट्रायंगल किसका टी एक्स वाई का एरिया। तो, तो, तो यानी कि 225 डिवाइडेड बाय 225 प्लस 64 इस अनुपात में यह बट रहा है जिसमें से 225 यूनिट इधर वाले का होगा और बचे हुए सिक्सटी यूनिट दूसरे साइड का होगा मतलब इसको अगर मैं जोड़ दूं तो यह बन जाएगा टू ठीक है सवाल में किसका वैल्यू निकालना था सवाल में वैल्यू निकालना था रूट ओवर ए बटातीस का एक सौ बीस मल्टीप्लाइड बाई दो सौ पच्चीस डिवाइडेड बाय टू एटी नाइन और यहां पर आपको एक तीस से भी डिवाइड करना था और स्क्वायर रूट निकालना तीस से काटोगे तो चार आएगा अब देखिए चार का मतलब दो हो गया यहां से पंद्रह डिवाइडेड बाय सत्रह आ गया मतलब ये कितना हो गया तो तीस डिवाइडेड बाय सत्रह आ गया ठीक तो अगेन यहां पे प्रॉपर्टीज बहुत सारे यूज हुए हैं तीस डिवाइड बाई सह मतलब सी सवाल का सही उत्तर प्रॉपर्टीज बहुत सारे यूज हुए हैं और थोड़े डेप्थ में जाकर यूज हुए ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से अगर आप प्रॉपर्टी सीख भी लो तो भी यहां पर डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि यहां थोड़ा सा डेप्थ में सवाल पूछे गए हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो डिटेल में आपको सारी चीजें समझना होगा क्योंकि अगर ज्योमेट्री वगैरह आपको यहां पर थोड़े डेप्थ में पूछ रहा है तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए लेकिन आप फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं आपका क्या काम है आपका काम है थर्टी लाना तो आप पेपर को पूरा एनालिसिस करिए क्या थर्टी लाने के लिए आपको ये सारी चीजें जानने की आवश्यकता थी तो नहीं थी आपको कुछ लेक्टेड टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कवर कर लें तो आपका जो है थर्टी थ्री परसेंट क्लियर हो जाएगा लेकिन आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे चूज करने होंगे जो मैथ से भी हों क्योंकि आप केवल भाषा के ही भरोसे नहीं रह सकते केवल रीजनिंग के भरोसे नहीं रह सकते केवल मैथ्स के भरोसे नहीं रह सकते लेकिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़िए क्योंकि थोड़ा डेप्थ में जाकर सवाल पूछा गया ठीक है चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां दिया हुआ है यहां थोड़ा सा एरर है और ये मेंसुरेशन में भी थोड़ा सा इन्होंने डेप्थ बढ़ाया है इस सवाल में पहले समझिए दिया क्या हुआ है उन्नीस रूट टू सेंटीमीटर विकर्ण के घनाकार बक्से में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोले को से आरोहित है ठीक है इस प्रकार बने ठोस का ठोस का आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में देखिए एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका डायगोनल जो है यहां पर दिया हुआ ये थोड़ा सा यहां पर इसने

अगर आप इस डायगनल के ऊपर इसको सॉल्व करने लगे तो सवाल सॉल्व नहीं होगा ठीक तो है तो एक्चुअली देखा लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा है आप यहां पर समझेंगे कि इसके के था। तो आइए समझते हैं यहां पर थोड़ा सा इसमें क्या फॉर्मुलेस लगेंगे तो सबसे पहले तो हमको यही समझना होगा कि जैसे ही हम यहां पर बक्सा बनाते हैं इस तरीके से एक इस बक्से के ऊपर जब आप एक अर्ध गोले को रखेंगे तो क्या अर्ध गोला इस तरीके से आएगा इस साइज का अर्ध गोला होगा या फिर अर्ध गोला छोटा सा हो जाएगा यानी कि अर्ध गोला छोटा है ठीक है पहले तो यह डिटरमाइन करना पड़ेगा कि अर्ध गोला छोटा है कि बक्सा छोटा है उसके लिए आपको क्या समझना होगा उसके लिए समझना होगा कि इस बक्से का जो रेडियस है वो इतना है मतलब रेडियस अगर इतना है तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसका तो भाई विकर्ण ही 19 दिया होगा उन्नीस रूट टू मतलब साइड तो केवल कितना होगा उन्नीस का होगा क्योंकि देखिए एक स्क्वायर की यदि मैं बात करूं तो स्क्वायर में अगर विकर्ण उन्नीस रूट टू है तो इसका साइड जो होता है वो उन्नीस और उन्नीस का होता है मतलब इसका जो जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा क्लियर चलिए अब देखिए यहां से टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है उसको समझिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का मतलब जैसे ही ये ठोस बन गया इस ठोस को आप पानी में डुबा दीजिए जैसे आप पानी में डुबाएंगे तो जहां जहां पर पानी इसे टच करेगा उसी को टोटल सर्फेस एरिया कहते हैं बात समझ में आ गई टोटल सर्फेस एरिया का मतलब क्या है अब आप खुद बताइए कि इस पूरे के पूरे इमेज को कहां कहां पानी टच करेगी तो पहले तो समझना होगा कि डायग्राम क्या है देखिए सबसे पहली बात आप समझिए यहां पर कुछ इस तरीके से आपका ठोस बनेगा स्क्वायर ठीक इसके ऊपर जो सर्कल आएगा वो सर्कल जो है इसके ऊपर इसका फेस रहेगा मतलब ये वाला जो फेस है इस पे तो पानी टच होने से रहा क्योंकि ये वाला फेस जो है छुप जाएगा किससे ये वाला फेस छुप जाएगा आपके क्योंकि आप जब गोला बनाएंगे अर्ध गोला इसके ऊपर जाके करेक्ट बैठेगा तो अर्ध गोला कुछ इस तरीके से इसके ऊपर बैठेगा ठीक अब समझिए यहां से ये जो स्क्वायर स्क्वायर है इस का विकर्ण आपको दिया उन्नीस रूट टू मतलब इस स्क्वायर का जो साइड है वो उन्नीस होगा तो एरिया जो हुआ स्क्वायर का वो नाइनटीन स्क्वायर हो गया एक साइड का एक साइड का मतलब एरिया जो है एक साइड के एरिया की मैं बात करूं तो 361 है एक साइड का एरिया ठीक अब आप समझिए यहां पर इस जो घनाकार जो ये होता है मतलब कि जो बॉक्स होता है, है? ठीक तो छुप, छुप गया मतलब इसमें आप देखेंगे तो टोटल यहां पर पांच फेसेस निकलेंगे एक दो तीन चार और नीचे वाला एक ठीक तो यहां से आपके जो एरिया बनेंगे वो फाइव इंटू बनना चाहिए था लेकिन आप समझिए इसको

तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा चार मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर क्योंकि इमेजिनेशन है आप कितने जल्दी यहां तक पहुंच सकते हैं ठीक है ठीके? तो मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पर सारी चीजें बताई अब देखिए इसका वैल्यूर इंटू फोर इंटू थ्री सिक्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री इंटू इसको जोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा 3 22 7. और रेडियस दिया चौदह इंटू चौदह तो चार तो तो और दो सौ चालीस और बारह सौ आ रहा है तो ये कितना हो गया ये बन जाएगा आपका वन फोर 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 आगे यहाँ से एरिया इसका और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा थ्री सिक्सटी सिक्स होता है सिक्सटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई यहां पर कितना है ट्वेंटी एट आ रहा है ठीक अगर मल्टीप्लाई करोगे आठ से तो बन जाएगा फोर्टी एट ठीक है इसको मल्टीप्लाई करोगे आठ से फोर्टी एट प्लस इतना मतलब कि फिफ्टी टू आ रहा है तो और दो से मल्टीप्लाई करोगे तो वन थर्टी टू यहां पर भी आ गया मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है आठ यहाँ पे चार यहां पे आठ और यहां पर एक तो इन दोनों को जोड़ना ही है बस जोड़ोगे तो वन फोर 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 एक वैल्यू आ गया और वन एट फोर एट एक दूसरा वैल्यू आ गया दोनों को जोड़ोगे यहां पर बारह यहां पर नौ और यहां पे थर्टी टू आ गया थ्री टू नाइन टू जो है सवाल का सही उत्तर होगा ठीक है जो कि सबसे छोटा वैल्यू है अगर आप यहां पर डायगनल ले को ले लेंगे तो आंसर और छोटा आएगा जो कि संभव नहीं है तो यहां पर आयोग द्वारा थोड़ा सा त्रुटि ये है कि यहां पर आपको जो दिए हैं इसको थोड़ा सा क्लियर बताना चाहिए था कि ये जो डायग्नल है ये पूरे के पूरे बक्से का नहीं बल्कि उसके एक साइड का है और अगर आप इसके साइड का लेंगे तो वैल्यू इतना आएगा लेकिन अगर आप इसमें बक्से के ही विकर्ण को लेकर सॉल्व कर, कर ले, यानी कि पूरे पूरे के यहां से लेकर यहां तक वाले विकर्ण को तो आंसर और छोटा आएगा ठीक जो कि संभव ही नहीं है यहां पर क्योंकि सबसे छोटा आंसर ही इसमें आ रहा है देखिए अब यहां से जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो है सवाल है इसको थोड़ा आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं दो वर्ष दिया है और 12 परसेंट दिया है तो आप डायरेक्टली यहां पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो कि लाइव क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था डी लाइव क्लासेस जो चल रही थी उसमें अगर देखेंगे दो और 12 परसेंट तो आपको मैंने बताया टू आर प्लस आर स्क्वायर बाई हंड्रेड इतना परसेंटेज जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है ये हमने डिस्कस किया बारह मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा तो मतलब आएगा यानी कि परसेंटेज क्या होता है सीआई होता है आपको सीआई कितना दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया दो साल और बारह प्रतिशत में इतना वैल्यू इतना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना तो सम कितना होगा निकालना याने 100, तो यहां से दो जीरोज को मैं हटा देता हूं तो यहां पर एक दो जीरो और लग जाएंगे ठीक है तो इसको सॉल्व ही करना है बस सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है ठीक है अगर इसको सॉल्व करेंगे चार से कटेगा ये नौ बार फिर यहां पर ट्वेंटी वन आ रहा है तो पांच बार जाएगा फिर सोलह आ रहा है तो चार बार जाएगा इसको काटेंगे तो 14 तो आया तीन बार फिर यहां पर ट्वेंटी फोर आया तो सिक्स बार ठीक अगर छे से काटोगे तो वन नॉट सिक्स टाइम्स कटेगा ये और अगर इसको मैं बार इसको छ से काटू तो एक बार जा रहा है ठीक है नौ से फिर थर्टी फाइव यानी कि पांच बार और एक बार और यहां पर कितना आ गया तो 54 आ रहा है मतलब कि कितना तो नाइन टाइम जाएगा अब 53 से दो बार कटता है 53 से तीन बार कटता है दो से इसको काटू तो 50 बार कटेगा मतलब यहां से 150 और 100 यानी कि पंद्रह हजार जो है इसका प्रिंसिपल आ जाएगा ठीक कैलकुलेशन था थोड़ा सा बस बाकी लेकिन उसको भी हमने सिंपलीफाई कर दिया क्योंकि सक्सेसिव परसेंट चेंज 25.44 परसेंटेज का वैल्यू दिया है या आप मौखिक रूप से आप इसको कर सकते हैं कि 25.44 परसेंट इतना तो 100 परसेंट जितना मतलब डायरेक्टली आप यहां तक इसको सॉल्व कर सकते हैं इस लाइन से ठीक है अगर आप मौखिक तरीके से इसको निकाल सके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वेटेड एवरेज के ऊपर एक सवाल दिया गया था गया था एग्जाम में बोला है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है तो पंद्रह अनुपात चौदह है तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो फिफ्टीन इज टू फोर्टीन का दिया हुआ है पहली बात साथ में बोला गया कि लड़कों का जो औसत है लड़कियों के तुलना में इतना अधिक है अब देखिए इसको देखते थे साथ समझ में आता है एक बटे छह का प्रतिशत मान जो है टू थ्री होता है मतलब एवरेज की यदि मैं बात करूं तो लड़कों का ज्यादा है मतलब अगर लड़कियों का औसत छ होगा तो लड़कों का औसत सात हो जाना चाहिए क्योंकि एक बटा छे है तो प्रारंभिक मूल्य को छह लोगे तो अंतिम मूल्य उससे एक बड़ा होगा यानी लड़कियों का औसत इतना है तो लड़कों का औसत इतना हो जाएगा क्लियर अब ओवरऑल जो सभी छात्र हैं उनका जो औसत दिया वो 63 दिया तो आपको एवरेज स्कोर स्कोर ऑफ गर्ल्स चाहिए तो देखिए अलग अलग क्वांटिटी का ये अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग रेशियो दिया हुआ है तो आप यहां वेटेड एवरेज से इसको सॉल्व कर सकते हैं इस 87 छात्रों का कोई उपयोग नहीं है ठीक क्योंकि वेटेड एवरेज में जब आप क्वांटिटी का रेशियो लेते हैं तो आंसर यानी एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता तो डायरेक्टली कैसे निकालना है रेशियो से एवरेज इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ एटी 84 आएगा मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो वन आएगा वन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो टोटल ट्वेंटी ठीक है तो ये सम है डिवाइडेड बाय 29 ये हमारा एवरेज हो गया और इसका मान दिया हुआ है 63 का क्योंकि ओवरऑल एवरेज 63 है आपको क्या निकालना है आपको यहां लड़कियों का औसत निकालना है यानी आपको छह यूनिट निकालना है तो छह यूनिट का वैल्यू कितना आएगा देखिए भाई ये तो वन एटी नाइन का मतलब सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय ट्वेंटी नाइन करोगे ये हो जाएगा एक यूनिट का मान

वर्क होता है उसमें चेन रूल लगाना हमने सीखा था m1 d1 by w1 बराबर होता है m2 d2 by w2 ठीक इसके ऊपर आधारित ये प्रश्न है आपको बोला गया पांच पुरुष और चार महिलाएं जब सत्ताईस दिन काम करें तो काम पूरा हो जाता है यानी कि 5 मैन 5 मैन प्लस 4 वुमेन जो है ये मिलकर जब 27 डेज काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है जबकि सात पुरुष यानी कि 7 मैन प्लस नाइन जब काम करें तो काम तो जो है अब डेज में पूरा होता है ठीक यहां तक क्लियर आपको बोला गया है उसी कार्य को इतना प्रतिशत अब देखिए इसको देखकर आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे क्योंकि यहां पर आपको जो वैल्यू दिया एक सौ ग्यारह दशमलव ग्यारह ग्यारह प्रतिशत हम क्या जानते हैं ग्यारह दशमलव ग्यारह ग्यारह प्रतिशत जो है ये एक बटे नौ का वैल्यू सौ प्रतिशत से मतलब प्रारंभिक मूल्य तो अंतिम मूल्य दस होता है मतलब हो प्रारंभिक मूल्य है तो अंतिम मूल्य कितना होगा दस यूनिट का होगा मतलब अब जो कार्य करना है वो दस यूनिट का कार्य करना है नौ यूनिट का कार्य नहीं करना तो इसका मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं दो मेन प्लस पांच वुमेन मिलकर कर रहे हैं दो मैन प्लस पांच वुमेन और अब जो कार्य है कितने दिन में पूरा होगा यह सवाल पूछा जा रहा है ठीक है तो यह आपके चेन रूल से सॉल्व हो जाएगा अब देखिए जैसे ही इस तरीके का प्रश्न बना तो पहले आपको एक पुरुष और एक महिला के कार्य का अनुपात होना चाहिए यानी इसकी जो कार्य दक्षता है ये होनी चाहिए उसके लिए आपको पहला और दूसरे को देखना है पहले दूसरे को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा फाइव मैन प्लस फोर वुमेन बराबर किसके है सेवन मैन प्लस नाइन वुमेन इसमें से आप दो चीजें कट रही कट जाएगी जैसे नौ और नौ गया सत्ताईस और ये इसको तीन से काटोगे यहां पांच आएगा यहां पर नौ आ जाएगा इसको सॉल्व कर लीजिए बस ठीक उससे क्या होगा हमारा जो वैल्यू है डी का निकल जाएगा तो पहला स्टेप ये है कि आप सेन रूल लगाए सेकेंड स्टेप है कि आप एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालें तो बताइए कितना आएगा देखिए थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करेंगे जैसे देखिए नौ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्टी फाइव मैन बनेगा दूसरे तरफ सेवन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी फाइव मैन बनेगा मतलब इन दोनों का अंतर कितना है टेन मैन हो गया ठीक वुमेन की बात करें तो यहां पर थर्टी सिक्स वुमेन आ रहा है और यहां पर अगर देखें तो फोर्टी फाइव वुमेन आ रहा है मतलब वुमेन वाले टर्म को एक तरफ भेजेंगे तो यहां से नाइन वुमेन का आ जाएगा वैल्यू मतलब एक एक मैन दिन में नौ यूनिट काम करता है तो एक वुमेन एक दिन में दस यूनिट काम करती है बस एक बार रेशियो हमको निकालना था जो रेशियो एक बार निकल गया तो अब हमारा काम आसान है इसको हम सब्सिट्यूट कर देंगे ये वाले वैल्यूज में ठीक है तो इसमें डायरेक्टली आप इसको सब्सिट्यूट कर दीजिए मैन के जगह पे नौ और वुमेन की जगह पे दस तो मेन की जगह पे नौ डालेंगे इसको ये बन जाएगा कितना वुमेन की जगह पे दस डालोगे तो बन जाएगा नब्बे मल्टीप्लाइडेड बाई नौ इज इक्वल टू मेन के जगह पे डालना है नौ तो ये बन जाएगा अठारह वुमेन के जगह पे डालना है दस तो यह बन जाएगा पचास दोनों को जोड़ोगे तो यहां पर बन जाएगा फोर्टी सिक्सटी एट ठीक है सिक्सटी एट मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाय दस तो एक्चुअली ये कितना है ये है भाई 153 कितना है ये 153 है अब 17 से काटोगे तो 17 से ये 9 बार कटेगा 17 से काटोगे तो 4 बार कटेगा 9 9 को काट दिया मतलब डेज जो है ये हो जाएगा 150 150 डिवाइडेड बाय 4 जो कि आ जाएगा 3 टाइम्स 37.5 ठीक है 37.5 जो है इतने दिनों में पूरा हो जाएगा तो इस सवाल का जो उत्तर है सी था ठीक तो चेन रूल के ऊपर सवाल है लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाया है केवल कॉन्सेप्ट से नहीं होगा थोड़ा सा कैलकुलेशन भी यहां पर इसने जोड़ा है ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखिए ये सब परसेंटेज वैल्यू को देखकर आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है ठीक आप इसको देखिए समझिए यहां पर क्या है क्या हमने ये पढ़ा था कि वन बाय सिक्स वन बाय सिक्स जो होता है वन बाय सिक्स का वैल्यू होता है सिक्सटीन टू बाय थ्री परसेंट करेक्ट और वन बाय वन का मतलब कितना होता है one by one का मतलब होता है hundred percent. अगर मैं hundred percent में से इतना घटा यानी वन माइनस वन बाय सिक्स कर लूं तो कितना वन माइनस वन बाय सिक्स तो हंड्रेड में से इतना घटाओगे तो इतना ही तो आएगा एटी थ्री वन बाय थ्री परसेंट क्या आप मेरी बात से सहमत है सौ प्रतिशत माइनस सोलह बटा दो, 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 दो तिहाई प्रतिशत को माइनस करोगे तो एटी थ्री वन बाय थ्री परसेंट आएगा मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है फाइव बाय सिक्स है

ये ये वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा है एक माइनस एक बटा ग्यारह मतलब कि ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दस बटा ग्यारह दस बटा ग्यारह हो जाएगा

पचास लीटर तो आपने पहले कंटेनर में पचास लीटर भरा दूसरे वाले में पार्ट भरा। मतलब दस बटे ग्यारह हिस्सा आप भरोगे तो यहां पर चालीस लीटर ही भराएगा इसमें भी अनुपात है पहले वाले का अनुपात कितना है तो पहले वाले का अनुपात चार अनुपात एक है अब आप लोग ये जानते हैं कि चार अनुपात एक में पचास को कैसे बांटना है इसका वैल्यू होता है चार बटे पांच इंटू पचास जो कि हो जाएगा चालीस लीटर का दूध और एक बटे पांच हिस्सा जो है पचास का वो हो जाएगा दस लीटर का तो ये चालीस और पचास इस इस तरीके से ये बढ़ता है चालीस और पचास इस तरीके से ये बढ़ता है ठीक है क्लियर हो गई यहां तक बातें इसके आपके पास अट्ठारह का पानी होगा तीसरे वाले में सात अनुपात एक में आप भर रहे हैं इसको टोटल इतना है तो आठ यूनिट बराबर इतना मतलब एक यूनिट पांच लीटर के बराबर होगा हो सात का मतलब पैंतीस लीटर एक का मतलब पांच लीटर ठीक इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया तो आपको बताना है दूध और पानी में से अब पानी और दूध का अनुपात बताना है तो पहले तो इसको जोड़ लीजिए यह हो जाएगा सत्तर एक सौ पांच अनुपात यहां से कितना होगा ये यह हो जाएगा थर्टी थ्री अगर रेशियो देखा जाए तो थर्टी फाइव टू ग्यारह का रेशियो हो रहा है ये मिल्क और वाटर का रेशियो है लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा था वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा था वाटर और मिल्क का रिवर्स हो जाएगा यानी ग्यारह अनुपात पैंतीस हो जाएगा क्लियर यहां तक बात समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं ये जो है एलसीएम एच जो है बहुपद वाला सवाल है आपको यहां पर यह समझना होगा कि एलसीएम और एच आपको दिया हुआ था और बोल रहा है कि यदि एक बहुपद ये है तो दूसरा बहुपद क्या है यदि मान लीजिए दो बहुपद पीएक्स है और दूसरा बहुपद क्यू है इसका एच सी एफ एच सी एफ है और एलसीयम ये है तो आपको एक प्रॉपर्टी जानना है कि एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई होता है ये बहुपदों का गुणनफल होता है पीएक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स ठीक इसको आपको जानना होगा एच सी एफ कितना दिया, HCF दिया था एच सी एफ दिया था कितना ट्वेंटी टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ नाइन एक्स प्लस टू जिसमें से एक बहुपद आपको दिया हुआ है कि एक बहुपद ये है सिक्स एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस का फाइव एक्स प्लस का वन और मल्टीप्लीकेशन में यहां पे क्यू एक्स है अब आप पहले बताइए क्या यहां पर मैं कुछ काट सकता हूं क्या? यह 6, 3X 1 है, इसको क्या तोड़ सकते हैं हम लोग इसको तोड़ने के लिए आप इस तरीके से इसको तोड़ेंगे जो है इस 5X को मैं तोड़ देता हूं थ्री एक्स प्लस टू एक्स में मिड टर्म स्प्लिट हम करेंगे तो जैसे ही यहां से थ्री एक्स कॉमन निकलेगा तो यहां पर बचेगा टू एक्स प्लस वन और प्लस का टू एक्स प्लस वन ठीक तो यहां से टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन कॉमन निकलेगा आगे क्या बचा तो थ्री एक्स प्लस वन बचा क्योंकि यहां 3X plus बचा। हम सॉल्व करें तो यहां से आपको समझना होगा कुछ चीजें कट जा रही है जैसे तो कट गए ठीक तो यहां से हमें यह रिजल्ट मिला कि अब जो वैल्यू है यहां ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू एक्स क्यूब माइनस पंद्रह एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू इसका वैल्यू क्या है तो ये है टू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स अब देखिए या तो आप इसको इससे पूरी की पूरी तरह से डिवाइड करें या थोड़ा स्मार्टली सोचिए कि आंसर क्या होगा तो तो मल्टीप्लाई तो 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 करने पर माइनस टू आना चाहिए लेकिन यहाँ प्लस टू है मतलब माइनस टू वाले जो दो ऑप्शन है इसको एलिमिनेट तो कर लीजिए ठीक दूसरा वाला आप देख रहे हैं यहां पर थर्टीन एक्स वाला टर्म है तो एक्स वाला टर्म कैसे कैसे निकल सकता है देखिए समझिए यहाँ से थर्टीन एक्स प्लस होगा कि माइनस होगा समझिए आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पे माइनस ऑफ नाइन एक्स का वैल्यू आपको चाहिए ओवरऑल तो अगर ओवरऑल मुझे माइनस ऑफ नाइन एक्स चाहिए तो एक तो समझ में आ गया कि यहां प्लस वाला टर्म है तो फोर एक्स यानी कि टू एक्स इस वाले प्लस वाले टर्म में जो भी यहां वैल्यू आए

करिए यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाले को यहां पर थोड़ा सा यहां पर आयोग द्वारा मिस्टेक है क्योंकि इस सवाल में देखिए अगर मैं गलत हूं आप मुझे सही करिएगा लेकिन मैंने जितना सॉल्व किया मुझे यह सवाल गलत मिला इसमें देखिए पी एंड क्यू परचेसेस टू डिफरेंट आर्टिकल एट द सेम प्राइस तो पी और क्यू जो है दो आर्टिकल को सेम प्राइस पर खरीदते हैं

और वाई जो है वो वाई परसेंटेज का क्यों अब देखिए यहां से आप समझिए इसको कि इनके खरीदने का दाम सेम है इनके बेचने का दाम भी सेम है तो एक का प्रॉफिट और दूसरे का प्रॉफिट अलग कैसे हो सकता है लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि एक को एक्स परसेंट का प्रॉफिट हुआ और दूसरे को वाई परसेंट का सिंस यहां दिया है क्यू कैल्कुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है लेकिन क्यू ने अपने प्रॉफिट को उसके सेलिंग प्राइस पे निकाला इसलिए यहां पर उसे वाई परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ठीक

थर्टी एट सिक्स बाय थर्टीन ये थर्टीन जो है बहुत बड़ा क्लू देता है क्योंकि वन बाय थर्टीन का मान हम लोग जानते हैं ये कितना होता है सेवन नाइन बाय थर्टीन परसेंटेज करेक्ट अगर मैं इसमें पांच से मल्टीप्लाई करूं फाइव बाई थर्टीन से तो यहाँ पर थर्टी फाइव आएगा ये थर्टी फाइव बन जाएगा और प्लस यहाँ पर फोर्टी फाइव आएगा फोर्टी फाइव बाय थर्टीन ये फोर्टी फाइव जो है तीन से कर जाएगा तीन एक्स्ट्रा निकलेगा तो ये अड़तीस बन जाएगा और शेष फल जो बच रहा है सिक्स बाय थर्टीन बच रहा है मतलब कि इस थर्टी एट सिक्स बाय थर्टीन का मतलब क्या है तो पांच बटे तेरह है क्लियर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लीजिए या पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसा कैलकुलेट होगा तेरह से मल्टीप्लाई करोगे तो एक चार प्लस तीन ठीक है ये 494 हो गया प्लस सिक्स करोगे तो 500 हंड्रेड बाय थर्टीन परसेंटेज आ रहा है 500 हंड्रेड बाय थर्टीन परसेंटेज का मतलब पांच बाय तेरा ठीक अब अगर पांच बाय तेरह का इसको प्रॉफिट हो रहा है मतलब यहां जो सेलिंग प्राइस होगा इसका वही इसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए तो इसका मतलब इतना तो आपका कॉस्ट प्राइस है यहां पर और अगर आप इसके ही प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो इसका फाइव बाई थर्टीन कितना तीन सौ नब्बे का पांच बटे तेरह हिस्सा निकालिए तीस से कटेगा मतलब डेढ़ सौ रुपया का आपको प्रॉफिट हो रहा है और डेढ़ सौ अगर आप इस पर जोड़ोगे तो यहां कोई ऑप्शन बचे ही नहीं रहा है क्योंकि इन दोनों को आप जो जोड़े, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फोर नाइनटी प्लस इतना फाइव फोर्टी के आसपास इसका आ रहा है वैल्यू जो कि यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं तो यहां पर थोड़ा सा शायद

मीट दर परसेंट एट सी ऑन द वे बिटवीन बी एंड सी तो सवाल देखिए ए है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहां पर है बी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है सेवन फिफ्टी नाइन किलोमीटर की करेक्ट अब बोला क्या गया है ए और बी दो व्यक्ति है ए और बी दो व्यक्ति है ठीक है ए और बी दो व्यक्ति है. दो परसेंट सपोज करते हैं एक्स और वाई है ठीक इनका जो स्पीड है इसका अनुपात है सिक्सटी थ्री नाइनटी वन अब जाहिर सी बात है जो ज्यादा तेजी से चल रहा है वो तो पहले यहां पहुंच जाएगा जो ज्यादा तेजी से चल रहा है वो पहले यहां पहुंच जाएगा तो ये यहां पहुंचने के बाद रुकता नहीं है क्योंकि दोनों व्यक्ति यहां से यहां तक जाते हैं और दूसरा व्यक्ति यहां तक पहुंचता है इतने देर में ये व्यक्ति यहां से पहुंच के वापस इधर आ जाता है और यहां इस पॉइंट पर सी पे जाके ये लोग मिलते हैं आपसे पूछा गया है कि इस एक्स का मान बताइए तो अगर ये एक्स है तो ए सी का मान सेवन फिफ्टी नाइन माइनस एक्स होगा ठीक है सेवन फिफ्टी नाइन माइनस एक्स होगा यह सेवन फिफ्टी नाइन है क्या आप इस बात से सहमत है कि अगर ये वाला डिस्टेंस एक्स है तो सेवन फिफ्टी नाइन माइनस एक्स होगा एक चीज समझिए कि हम हमने यह देखा है कि जब टाइम कांस्टेंट होता है जब टाइम कांस्टेंट होता है समय जब बराबर होता है तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी स्पीड का अनुपात कितना है अगर इसको आप सात से काट लें तो यहां पर नौ आएगा यहां तेरह आएगा यह इनके स्पीड का अनुपात है और आप समझिए इन दोनों साथ में स्टार्ट किए तो ये पहला जो व्यक्ति है जो धीरे चल रहा है वो A से C तक के पहुंच पाए उतने ही टाइम में सेम टाइम में दूसरा व्यक्ति यहां तक जाता है और वापस यहां आता है तो जितने टाइम में जो दूसरा व्यक्ति Y है वो A से B जाकर B से C आ गया उतने देर में X जो है केवल A से C गया मतलब सेम टाइम तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके

तो बताइए भाई कितना आ रहा है चार से काटोगे इसको दो बार कटेगा ये ग्यारह से काटोगे तो ये बन गया फिर आ रहा मतलब, एक्स का है, है तो अगेन टाइम डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सवाल जो है आपके ज्योमेट्री से पूछा गया ये डायरेक्ट क्वेश्चन है टेंजेंट के ऊपर बेस्ड तो अगर हम देखें ज्योमेट्री में भी एक पैटर्न है ज्योमेट्री में जो सवाल पूछा गया वो सर्कल्स से रिलेटेड पूछा गया वो भी सर्कल्स में टेंजेंट से रिलेटेड पूछा गया तो एक एरिया आइडेंटिफाई किया गया है टेंजेंट जिसमें से आपके प्रश्न बने तो देखिए यहां एक सर्कल दिया हुआ है जो इस चतुर्भुज के चारों भुजाओं को टच करता है इस तरीके से तो अगर ये ए बी सी डी है प्रॉपर्टी क्या है मैं डायरेक्टली बता दूंगा एक सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के साइड्स को टच करता है जिसमें ए बी का मान 11.2 दिया है बी सी का मान दिया हुआ है 8.4 और साथ में सी डी का वैल्यू दिया है 6.3 तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए डी प्लस बी सी जो है ए डी प्लस बी सी यानी इसको और इसको जोड़ने पर ए प्लस सी डी को जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा वही आएगा मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो वैल्यू है वही इन दोनों को जोड़ने पर वैल्यू आएगा तो अगर आपको एडी का मान चाहिए तो एडी का मान डायरेक्टली आ जाता है जो कि है इन दोनों को जोड़ने पर इलेवन पॉइंट सिक्स ऑफ एट पॉइंट फोर यही वैल्यू आएगा ठीक है तो इन दोनों को जोड़िए कितना सत्रह पॉइंट फाइव माइनस का एट पॉइंट फोर मतलब देखिए यहां से तो वन आ गया और सत्रह में से आठ घटाओगे तो नाइन आएगा नाइन पॉइंट वन जो है सवाल का सही उत्तर है तो सिंपल सी बात है कि सर्कल जो है एक त्रिभु मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब इस तरीके से पूरी तरह से फिट होता है तो ऊपर और नीचे का जो सम है ऑपोजिट साइड्स का जो सम मतलब कि सम होता है ए बी प्लस सी डी बराबर होगा। इस के ऊपर आधारित है टेंजेंट के ऊपर सवाल था ये फिर से ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ शंकु जो है अगेन ये मेंसुरेशन के ऊपर सवाल है तो यहां पर जो है सिमिलैरिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा सवाल क्या दिया हुआ है समझिए यहां पर एक शंकु है उसके आधार आधार के समानांतर दो टुकड़े में इसे इस प्रकार काटा जाता है कि बने हुए छोटे शंकु का अन्य भाग का आयतन जो है वो है यदि शंकु की ऊंचाई जो है वो फाइव फिफ्टी सेंटीमीटर है तो आधार से किस बिंदु पर ऊंचाई कितने ऊंचाई पर ज्ञात कीजिए कि इस शंकु को काटा गया था तो देखिए शंकु जो है कुछ इस प्रकार दिखता है शंकु जो है कुछ इस प्रकार दिखता है एक्चुअली यहाँ पर सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है ये। हमने क्या किया शंकु को कहीं से काट दिया बीच पे इस शंकु का पूरा हाइट दिया हुआ है आपको कितना है तो फिफ्टी सेवन पॉइंट है आपको बताना है कि ये जो आपने काटा कितने हाइट से आपने काटा ये बताना है आपको क्या दिया है कि यहाँ पर जो शंकु है इसको इस तरीके से काटा गया कि स्मॉलर कोन और अदर पार्ट का अनुपात ये है मतलब कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका आयतन अगर वन ट्वेंटी फाइव है तो नीचे वाले हिस्सा का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा नाइनटी वन हो जाएगा तो मैं यहां पर आपसे ये पूछता हूं कि ये छोटा शंकु ये छोटे शंकु को देखिए इस छोटे शंकु को देखिए एक छोटा शंकु है जैसे आप काटोगे एक छोटा शंकु बनेगा और एक बड़ा शंकु पहले से यहां पर है तो इसका जो वॉल्यूम का अनुपात है वॉल्यूम ऑफ छोटा शंकु अनुपात वॉल्यूम ऑफ बड़ा शंकु, यानी कि ये पूरे के पूरे शंकु इसका अनुपात यदि आप निकालोगे तो हो जाएगा एक सौ पच्चीस इस टू एक सौ पच्चीस प्लस वन क्योंकि आपने यहाँ पर जो काटा है उसमें से जो शेष भाग बचा वो 91 वन का बचा दोनों को जोड़ेंगे तो दो सौ सोलह आता है कितना आता है दो सौ सोलह आता है टू हंड्रेड सिक्सटीन थीक? तो क्योंकि यहां पर सिमिलैरिटी लग जाता है आपने जो शंकु काटा वो यहाँ पर पैरेलल काटा तो ये शंकु छोटा शंकु और मोटा जो शंकु है, है। मतलब, अनुपात साइड के अनुपात का वर्ग मतलब कि घन होता है मतलब कि ये किस में बना तो पांच क्यूब अनुपात छह क्यूब में बना मतलब इसके जो एक एक रेशियोज है मतलब हाइट का रेशियो भी इसका जो रहेगा एच वन एच टू एच टू जो है ये आपके फाइव इंस टू सिक्स में रहेगा दोनों शंकुओं का अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो आर वन अनुपात आर टू जो है यह भी फाइव इंस टू सिक्स में रहेगा क्योंकि यहां वॉल्यूम इस अनुपात में है तो हाइट जो होता है वो इसका मतलब कि घन मूल निकालने पर जो रेशियो बनेगा उस अनुपात में मतलब यहां से यहां तक जो हाइट है इसका अनुपात यदि पांच है तो यहां से यहां तक जो रेशियो होगा इसका अनुपात छ हो, हो जाएगा मतलब कि अगर आप इसका रेशियो पूछे यहां से यहां तक का रेशियो अनुपात यहां से यहां तक का रेशियो पूछे तो यह हो जाएगा पांच अनुपात एक का फाइव वन का क्योंकि पूरा का पूरा है तो ये फाइव होगा तो ये वन होगा 1 का आपसे पूछ रहा था यहां से यहां तक का हाइट क्या तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्योंकि टोटल वैल्यू .6 है ठीक तो अगर इसको काटते हैं छह से नौ बार कटेगा ठीक फिफ्टी फोर से फिर थ्री पॉइंट सिक्स आ रहा है तो नाइन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर पे ये कटा गया होगा ठीक है नाइन पॉइंट सिक्स के हाइट पर यहां से आपने काटा होगा इसको चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद वाले सवाल में तो यहां पर थोड़ा सा जो है ये दिखाई नहीं दे रहा है सवाल मैं आपको रीड कर लेता हूं इस सवाल को कि ये बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर आधारित प्रश्न था ठीक है थोड़ा सा ब्लर हो गया इमेज कोई बात नहीं मैं यहां रीड करके बता देता हूं आपको क्या प्रश्न है अ बोट टेक्स टेन आवर्स टू कवर वन किलोमीटर डाउन एंड एटी किलोमीटर अप तो देखिए स्पीड टाइम दिया हुआ है कि डाउन जाता है तो एटी फोर किलोमीटर ठीक है और अपस्ट्रीम जब जाता है तो जाता है 84 किलोमीटर यहां पर इसका टाइम और इसका टाइम टोटल टाइम दिया हुआ है कि 10 घंटे लगते हैं ठीक है और साथ में दिया हुआ है कि टाइम स्पेंड टू कवर इतना किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम यानी टाइम जो लगता है 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में बराबर है टाइम जो लगता है इसको थर्टी किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में अब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है हाउ मच मोर देन स्पीड ऑफ द करंट मतलब अपस्ट्रीम स्पीड माइनस स्पीड ऑफ करंट इसका आपको डिफरेंस निकालने को कहा गया तो एक एक करके समझते हैं सबसे पहली बात टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ये हम सब जानते हैं अब जब 137 136 किलोमीटर गया तो ये डाउन स्ट्रीम गया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड लगेगा मतलब ये आपका टाइम लगेगा वन डिवाइडेड बाय डाउन स्पीड और एटी किलोमीटर जब अपस्ट्रीम जाएगा तो एटी डिवाइडेड बाई यूएस इतना लगेगा ठीक है इसका मान आपको दिया हुआ है डाउन प्लस अपस्ट्रीम टाइम का कि इतना इसको कवर करने में दस घंटे लगते हैं टेन आवर्स लगते हैं ठीक सेकेंड चीज क्या दिया कि टाइम डाउन स्ट्रीम जो लगा फिफ्टी वन के लिए बराबर है टाइम अपस्ट्रीम का थर्टी सिक्स के लिए तो फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर है किसके तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स के ठीक है क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जितना गया तो उसको टाइम लगेगा फिफ्टी वन डिवाइडेड स्पीड और अप स्ट्रीम गया तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स यही स्पीड लगेगा दोनों अगर इक्वल है तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है इसके जगह पे एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं ठीक एक्स प्लस वाई तो अगर इसको हम तीन से काटेंगे तो यहां सत्रह आएगा यहां बारह आएगा मतलब कि सत्रह एक्स बराबर है बारह इंटू एक्स प्लस बारह इंटू वाई यहां से एक रिलेशन यही मिल रहा है हमको कि पांच एक्स जो है यहां से एक रिलेशन ये मिल रहा है पांच एक्स बराबर क्या है तो बारह वाई के यहाँ हम ये लिख सकते हैं एक्स बाय वाई जो है ये बारह अनुपात पांच में है बारह अनुपात पांच में तो यहां से मैं एक तीसरा वेरिएबल ले, ले लेता हूं जेड कि अगर ये एक्स जो है बारह जेड के बराबर है वाई जो है पांच जेड के बराबर है इस तरीके से इसको तीसरा एक वैल्यू हम मान लेते हैं तो अब यहां से हमारा काम ही हो जाएगा जेड का मान पहले निकालें क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस, तो एक प्लस वाई का मतलब यहां पर बारह जेड प्लस जेड आएगा बारह प्लस पांच जेड यानी कि सत्रह जेड हो गया ये और यूएस का मतलब होता है एक्स माइनस वाई तो बारह माइनस ऑफ पांच करोगे तो यहां पर आ जाएगा सात जेड ठीक है इसको इसको यदि यदि सॉल्व सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा तो आए मतलब जो वैल्यू है वो कितना हो गया? तो प्लस बारा आपका, आपका अपस्ट्रीम स्पीड निकल जाएगा और आपको जो वैल्यू निकालना है वो भी निकल जाएगा क्योंकि यहां से आपको समझ में गया जेड का मान दो है तो एक्स का मान जो है एक्स का मान कितना हो गया तो वो हो गया बारह इंटू दो यानी कि ट्वेंटी फोर y का मान कितना हो गया तो y का मान हो गया 5 into 2 यानी कि 10 अब अपस्ट्रीम स्पीड होता है x y अपस्ट्रीम स्पीड होता है x y तो 24 10 करोगे 24 10 हो जाएगा 14 सवाल में पूछ रहा था कि अपस्ट्रीम स्पीड करंट के स्पीड से कितना ज्यादा है तो u s है 14 minus y है 10 तो दोनों को माइनस कर दोगे तो 4 किलोमीटर पर आवर यानी b जो है सवाल का सही उत्तर होगा ठीक है थोड़ा सा यहां पर इमेज ब्लर है ठीक है आशा करता हूँ आपको समझ में आऊ क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने आपको ठीक से समझाया है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन था था इसमें दिया था कि दो सही तीन वर्ष के लिए, अगर पंद्रह परसेंट के हिसाब से हम ब्याज दे रहे हैं ठीक पंद्रह परसेंटेज के हिसाब से हम ब्याज दे रहे हैं तो फिफ्टी सेवन थाउजेंड में कितना परसेंटेज आपका निकटतम निकालना है ठीक है कितना परसेंट होगा मतलब एक साल तो पूरा हुआ एक साल और पूरा हुआ लेकिन तीसरा साल जो है इसका तीन बटे पांच हुआ तो यहां पहले वाले वर्ष में तो पंद्रह परसेंट पूरा देना होगा क्योंकि पंद्रह परसेंट सालाना के हिसाब से ही देना है। तो 15। मतलब तीसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा थ्री बाय फाइव पांच जो है पंद्रह से काटोगे तो यहां तीन आएगा थ्री थ्री से हो जाएगा नाइन ठीक है मतलब तीसरे साल का आपका केवल नौ ब्याज लगेगा ठीक है तो अब यहां से आप क्या करेंगे तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हमने डिस्कस किया था कि नहीं ठीक है लाइव वाले क्लास में तो उसको बस लगा लीजिए से तो से सक्सेसिव सक्सेसिव परसेंट चेंज चेंज तो परसेंटेज ये होता है, 100, plus XYZ 10, 000, ये आपका होता है तीन वर्षों के लिए ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए माइंड में इन द सेंस पंद्रह प्लस पंद्रह तीस प्लस नौ करोगे तो थर्टी नाइन परसेंट ये एक लाइन में आपने लिख दिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना हो जाएगा क्योंकि देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो यहां एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एस निकालना बहुत आसान सी बात है क्यों क्योंकि देखिए यहां एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेडक्स एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करोगे टू ट्वेंटी फाइव आय चाहे आप वाई जेड को मल्टीप्लाई करें या जेड एक्स को मल्टीप्लाई करें दोनों में नौ मल्टीप्लाइड बाई इतना हो रहा है मतलब कितना तो ये वन थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव जो कि दो सत्तर होता है दो सौ सत्तर इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा फोर नाइन्टी फाइव आएगा डिवाइडेड बाई हंड्रेड करने पर फोर पॉइंट नाइन फाइव आएगा इसको अगर एक बार और मल्टीप्लाई करें तीसरे वाले में तो तीनों मल्टीप्लाई होता है मतलब पंद्रह इंटू पंद्रह इंटू नौ ठीक है डिवाइडेड बाय दस हजार अब देखिए इसमें से एक तीन को यहां एक तीन को यहां भेज देते हैं मतलब देखिए ये भी पैंतालीस ये भी पैतालीस पैतालीस का स्क्वायर हो गया और पैंतालीस का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है टू जीरो टू फाइव होता है डिवाइडेड बाय दस हजार मतलब तीसरा वैल्यू जो है यह जीरो पॉइंट टू जीरो टू फाइव ठीक है इतना तो अब आप मुझे बताइए कि टोटल परसेंटेज कितना लगा इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पच्चीस आएगा ये पांच और शून्य पांच हो गया नौ प्लस एक हो गया वन यहाँ वन आएगा मतलब ये हो जाएगा चार फोर्टी फोर पॉइंट इतना परसेंटेज हो जाएगा ठीक ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है तो एक लाइन में आपने यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया इन तीनों वैल्यूज से ठीक है इतना परसेंटेज है किसका तो 5, 7, का ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अब देखिए पूरा का पूरा कैलकुलेट करने से बढ़िया आपको क्या देख रहा है यहां पे दिख रहा है 44 परसेंट इसका 44 परसेंट निकालने की कोशिश करिए 10 परसेंट इसका कितना होता है फाइव सेवन डबल जीरो दस परसेंट होता है तो 40 परसेंट क्या होगा इसका चार गुना होगा यानी जीरो जीरो ट्वेंटी आ जाएगा बीस प्लस दो करोगे तो ट्वेंटी टू आएगा ये इसका चालीस परसेंटेज है चार परसेंटेज और जोड़ोगे तो चार परसेंटेज मतलब एक शून्य कम हो जाएगा टू टू एट जीरो इतना जोड़ लीजिए तो अस्सी आ गया यहां पर जीरो एक आ गया यहां पर पांच आ गया और दो आ गया मतलब टू फाइव जीरो एट जीरो से थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि यहां पॉइंट वन परसेंट है अब पॉइंट वन परसेंट यानी एक परसेंटेज से थोड़ा और कम एक परसेंट वन परसेंट तो फिफ्टी सेवन और जुड़ेगा फिफ्टी सेवन और जोड़ोगे तो लगभग जो वैल्यू आएगा वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा और इससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू ये वाला दिख रहा है, है, है? तो यह देखिए यहां, यहां पर आपको यह समझना होगा कि आपको दिया हुआ है एबीसी एकल अंक है वाली संख्या का इस प्रकार है कि जीरो पॉइंट एबीसी जीरो पॉइंट ए बीसी एस तरीके से आ रहा है देखिए इसका प्रॉपर्टी ये है कि पांच या 500 ठीक है 12 इसको डिवाइडेड बाय 999 करने पर जो वैल्यू आता है 0.512 512 512 इस तरीके से आता है अगर मैं लिखूं 241 241 डिवाइडेड बाय 999 इसका वैल्यू होता है 0.241 241, 241 241 इस तरीके से वैल्यू आता है और ये चलता रहता है अब जैसे ही मुझे दिखा 37 नीचे तो 37 में मल्टीप्लाइड बाय 27 करने पर क्या बनता है नाइन 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 बनता है क्योंकि थर्टी सेवन मल्टीप्लाइड बाय थ्री जो होता है एक सौ ग्यारह इस एक सौ ग्यारह में एक बार और मल्टीप्लाई किया मतलब टोटल नाइन 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 मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा नाइन 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 आएगा मतलब कुल मिला के ये जो एबीसी एबीसी जो दिया हुआ है वो कुछ और नहीं है जीरो पॉइंट ये अगर उन्नीस बटा इतना था तो उन्नीस डिवाइडेड बाय थर्टी सेवन में मैं नीचे भी ट्वेंटी सेवन और ऊपर भी ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई कर लू तो वैल्यू आ जाएगा और ऑल यहां पे आ गया थर्टी सेवन नीचे तो नाइन 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 आ गया और ऊपर कुछ वैल्यू आएगा लेकिन यहां पर भी आप पूरा कैलकुलेशन मत करिए क्योंकि यहां आपको दिखाई दे रहा है सत्ताईस सत्ताईस में क्या छुपा हुआ है नौ छुपा हुआ है नौ मल्टीप्लाइड बाय कोई भी नंबर आप करेंगे बाय no कोई भी नंबर आप करेंगे उसका सम ऑफ डिजिट्स हमेशा नौ आता है तो आंसर इसका नाइन हो जाएगा तो पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं है आप चाहे तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए देखिए टोटल मल्टीप्लाई करने पर दो सौ सत्तर और नो इन इतना करोगे तो टू फोर्टी थ्री आएगा ठीक है और जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ तीन ग्यारह पांच सौ तेरह मतलब पांच सौ तेरह आ रहा है अब आप खुद ही देखिए पांच प्लस एक प्लस तेरह मतलब ABC, ABC जो है, कुछ और नहीं है जीरो पॉइंट फाइव वन थ्री फाइव वन थ्री

आप रिलेट करेंगे तीसरे नंबर के साथ तो पांच इंटू सात मल्टीप्लाई करने से पैतीस बनता है ये आप जानते हैं अब पांच के घात ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है पांच के घात ए का वैल्यू दिया हुआ है पैंतीस के घात सी तो पांच बराबर क्या हो जाएगा पैंतीस के घात सी बटा ए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसी तरह जो सात है इस सात को क्या लिख सकते हैं पैंतीस के घात सी बटा बी ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं मतलब इस पांच और सात को पैंतीस के टर्म्स में यहां कन्वर्ट किया जा सकता है ये हो जाएगा थर्टी फाइव के पावर ऑफ सी बाई ए और ये जो साथ ही हो जाएगा 35 टू द पावर ऑफ सी बाई बी इज इक्वल टू कितना 35 के पावर 1 अब यहाँ पे भी 35 के घात है यहाँ भी 35 के घात है मतलब ए के घात m मल्टीप्लाइड बाय ए के घात n यही है और ए के घात m मल्टीप्लाइड बाय ए के घात n क्या होता है ए के घात m n होता है करेक्ट मतलब समझिए यहां से क्या हुआ इसका वैल्यू जो है पावर में जुड़ जाएगा मतलब c a c b और यहां 35 के घात में हैं ये ये दोनों बराबर 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 किसके तो तो के एक के के घात मतलब क्या हम कह सकते कि ये जो वैल्यू है 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 इसके यानी तो बस यहां से 35 को हटा देते हैं और इन दोनों को इक्वल कर देते हैं अगर मैं सी को कॉमन निकालूं तो ब्रैकेट में बचेगा ए बी बाई और डिट्टो क्वेश्चन था जो मैंने आपको वहां पे कराया था एमसीक्यू के टू में थोड़ा सा इसमें से चेंज हुआ है 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 लेकिन बिल्कुल वही है, तो सी जो है सवाल का सही उत्तर है, ठीक चलिए आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा और जिन्होंने एमसीक्यू पार्ट टू देखा आपको जरूर फायदा हुआ होगा इस सवाल में ठीक है कमेंट में बताइएगा कि आपने वो क्वेश्चन देखा था जो मैंने एमसीक्यू पार्ट टू में डिस्कशन किया है कि नहीं देखा था अब देखिए यहां से भी कुछ क्वेश्चन जो है डीआई के वो थोड़े डायरेक्टली नहीं आए थोड़ा हल्का सा कैलकुलेटिव था लेकिन आसान है कोशिश करते हैं सॉल्व करने की रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट एलोकेटेड इन द सिक्स सेक्टर इन 2017 है 2018 2019 में फोर इंस टू फाइव इंसू सिक्स के रेशियो में दिया गया अब बोल रहा है व्हाट इज द मैक्स फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम फंड टू एनी ऑफ द गिवन सेक्टर इन ऑल द थ्री तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो सबसे पहला काम है कि अच्छे से समझिए टोटल अमाउंट जो एलोकेट किया गया छह सेक्टर में 2017 में वो है 200 करोड़ का मतलब यहां पर आपने 200 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया ये दिया हुआ है इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया नहीं दिया गया लेकिन सवाल में आपको दिया है कि चार अनुपात पांच अनुपात छह में अनुपात में आपने यहां पर अलोकेट किया इसके बाद डिफेंस की यदि बात करें तो डिफेंस जो है वो ये वाला है ठीक है ये थोड़ा सा यहां पर क्लियर uh, नहीं हो रहा इमेज लेकिन यहां पर डिफेंस जो है वो ये वाला है डेटा ठीक है ये काला वाला था इसमें मतलब ये डिफेंस वाला है इसके बाद इंडस्ट्री वाला ये है एजुकेशन वाला ये है और एग्रीकल्चर वाला ये डेटा है अदर्स वाला ये डेटा है ठीक अब आपको यहां पर जो वैल्यूज निकालने थे वो ये बताना था कि कौन सा वाला सबसे मैक्सिमम है टू द लीस्ट वाला तो क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा है मैक्सिमम वाला तो यही होगा क्योंकि यहां सत्ताईस परसेंट है यहां अट्ठाइस परसेंट है यहां इक्कीस परसेंट है तो मैक्सिमम वाला यही होगा मैं डायरेक्टली क्या करता हूं यहां पर चार अनुपात पांच अनुपात इसको मैं बना देता हूं चार इसको बना देता हूं पांच इसको बना देता हूं छे क्योंकि आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वाला जो भी है वो कौन सा है वो ये वाला हिस्सा है प्लस वाला मतलब एजुकेशन में तो 400 का 21 परसेंट कितना हो जाएगा 400 का 21 परसेंट एटी हो जाएगा 500 का 27 परसेंट कितना हो जाएगा 135 प्लस 600 का 28 परसेंट कितना हो जाएगा 180 में 12 कम यानी 168 ठीक है यहां तक क्लियर हो गए मैक्सिमम है और मिनिमम की यदि मैं बात करूं तो मिनिमम कौन सा हो जाएगा वो आपको देखना है आपको यहां पर दो वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं जो बहुत कम है एक तो ये सात परसेंटेज वाला है ये चौदह परसेंटेज वाला है यहां पर और यहां पर उन्नीस परसेंटेज वाला है दूसरा वाला आप देखेंगे तो यहां पर ये यह है नौ परसेंटेज थोड़ा सा यहां क्लियर नहीं हो रहा है नौ परसेंटेज है ये बारह परसेंटेज वैल्यू है और जो तीसरा वाला ये है ये आपका दस परसेंटेज तो हम दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं ये वाले को भी जो डिफेंस का है और ये जो नीचे वाला है जो कि आपके सर्विस का दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक छोटा होगा तो यहां पर बताइए कितना आएगा ये आपका बन जाएगा फोर्टी वैल्यू ठीक है ये आपका बन जाएगा पचास और ये आपका बन जाएगा नौ इसका तो फिफ्टी तो तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा ये बन जाएगा एक सौ प्लस फोर्टी करना है तो 144 प्लस 8 करोगे तो 152 आएगा ठीक है 152 हो सकता है ये डिफेंस का है सर्विसेज की बात करें तो ये इसके नीचे वाला है 14 परसेंट का मतलब फिफ्टी 7 का मतलब जोड़ लेते हैं और इसका ही अनुपात आपसे पूछ रहा था इसका और इसका अनुपात तो चार प्लस हो गया नौ प्लस करोगे तो सत्रह आएगा सत्रह एक फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड हो गया तो यहां नौ प्लस हो गया बारह प्लस छ करोगे तो अठारह हो जाएगा 18 एक आगे चला गया तो थ्री एटी सेवन रेशियो वन फिफ्टी टू का जो है ऑप्शन नंबर डी है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला सवाल था इसके बाद ठीक है तो इसमें से भी आपका प्रश्न पूछा गया एक और इसमें क्या करना है इसको थोड़ा समझते हैं ठीक है थीके? तो मैं कुछ चीजों को यहां पर हटाता हूं बाकी चीजों को एज इट इज रखे रहने देंगे क्योंकि इसमें भी यूज होगा डेटा ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था एज कंपेयर टू प्रीवियस वाला इसमें क्या करना था टोटल अमाउंट एलोकेटेड इन सिक्स डिफरेंट बी फोर हंड्रेड करोड़ इन टू थाउजेंड नाइनटीन तो यहां पर अब ये जो रेशियो था ये चेंज हो गया यहां पर पहले वाले में जो रेशियोज हमने यूज किया वो यहां एप्लीकेबल नहीं है बोल रहा है 2019 में हमने जो एलोकेट किया वो 2019 में कितना था तो 400 करोड़ था और 2017 का डेटा दिया हुआ है 200 करोड़ है ये 2017 का डेटा है तो बोला गया 2017. तो तो दो हजार चौबीस करोड़ हमने दिया होगा सत्रह में ठीक है डिफेंस को और उन्नीस में कितना दिया नौ परसेंट जो कि अगर चार सौ का नौ परसेंट निकालोगे तो छत्तीस तो आ जाएगा आपसे पूछ रहा है कितना ज्यादा है तो आप देख पा रहे बारह ज्यादा

एबीसी एक कंट्री है कहां से कहां तक तो 2014 से लेकर 2019 तक का डेटा है तो 14 में यहां पर पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह 19 जिसमें इंपोर्ट वाला ये लाइन वाला ग्राफ दिया हुआ है तो 494 इंपोर्ट था 2014 में 326 जो है वो ब्लैंक वाला है एक्सपोर्ट था 2014 में इस तरीके से आपको डेटा रीड करना है सवाल में क्या दिया है इसको समझते हैं यहां पर सवाल में देखेंगे तो यहां पर आपको दिया हुआ है एक्सपोर्ट चाहिए आपको कहां, कहां का तो एक्सपोर्ट हमें चाहिए 16 का सत्रह का और अठारह उन्नीस का ठीक है और कब का चाहिए? तो 15 का, 16 का, 18 का ठीक ये आपको चाहिए. तो में जब आप जाएंगे तो 16 बहुत केयरफुली देखना क्योंकि डेटा में बहुत गलतियां होती है एक्सपोर्ट, चाहिए, तो एक्सपोर्ट मतलब ये ब्लैंक वाला मतलब 293, 519 और 460 तो फटाफट इसको जोड़ेंगे 293 ठीक है 519 फोर सिक्सटी एट इसको जोड़ना है हमें एक्सपोर्ट्स के लिए तो पहला डेटा होगा इंपोर्ट्स की बात करें तो अब मैं इसको ब्लू कलर में कर लेता हूं ब्लू कलर में आप देखेंगे तो यहां पंद्रह में जाना है आपको और सोलह में जाना है और आपको जाना है अट्ठारह में इसका इंपोर्ट चाहिए तो यहां से आप देखेंगे फाइव ये फोर और यहां पर छह तो फाइव दूसरा वाला है फोर फिफ्टी नाइन और तीसरा जो वैल्यू है ये इसका अनुपात आपसे पूछा गया तो बताइए भाई कितना अठारह ठीक है ये दस प्लस दो यानी बारह इतना आ गया अनुपात में इसका वैल्यू कितना आ रहा है दूसरे वाले का इसको जोड़ेंगे यहां पर फिर से सत्रह प्लस आ, तीन मतलब बीस हो रहा है अगेन ये चार प्लस पांच नौ प्लस एक करोगे तो दस आ रहा है एक कैरी फॉरवर्ड ठीक है दस प्लस छ करोगे तो सोलह आ जाएगा एक जीरो एक जीरो से कट गया अगर मैं इसे थर्टी टू से काटूं तो थर्टी टू से फाइव टाइम्स कटेगा और थर्टी टू से फोर टाइम्स कटेगा तो फोर इंस टू फाइव जो है इसका रेशियो था डी वाला इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ठीक है तो ये आपका क्लियर हुआ होगा आसान सवाल था ये रेशियो से रिलेटेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट वाले सवाल में क्या दिया हुआ है इस सवाल में दिया था कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ एबीसी फ्रॉम फोर्टीन टू फोर्टीन 14 एटीन 14, तो और एटीन का कंबाइंड एक्सपोर्ट हमें चाहिए एक दो और ये तीन ठीक है मतलब कि थ्री ट्वेंटी सिक्स चार सौ तेरह और तीसरा है भाई पांच सौ पंद्रह यह कंबाइंड एक्सपोर्ट जो है एबीसी के इंपोर्ट चौदह सत्रह उन्नीस का इंपोर्ट तो चौदह सत्रह उन्नीस में इंपोर्ट चाहिए तो आपका सात सौ सत्रह आएगा फोर नाइनटी फाइव और इसका वैल्यू आ जाएगा छह सौ बारह इसका वैल्यू आ जाएगा सात सौ सत्रह इसको यदि हम जोड़ते हैं कितना आ जाएगा देखिये सात प्लस सात हो गया चौदह यहां से बारह और ये दस प्लस आठ यानी अठारह वन एट टू फोर हो गया इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आठ प्लस छ हो गया चौदह ठीक है तीन प्लस दो हो गया पांच और तीन चार पांच यानी बारह ठीक ये हो गया सवाल ये पूछ रहा था कि ये इससे कितना प्रतिशत कम है ठीक है इज वॉट परसेंटेज लेस तो मैंने आपको कई बार बताया आप चाहे तो रेशियो भी ले सकते हैं या आप डिफरेंस भी लेकर देख लें कि, कि कितना कम है क्योंकि वन टू फाइव फोर का यदि आप डिफरेंस लेंगे तो यहां पर जीरो आ जाएगा ये सात से कटेगा एक बारह हो गया बारह में से इतना गया तो सात सात में से इतना गया तो पांच सौ सत्तर आ रहा है तो आपसे यही पूछ रहा था कि पांच सौ सत्तर जो है ये वन एट टू फोर का कितना प्रतिशत है यही आपको निकालना है ठीक चलिए तो पहले तीन से काट लेते हैं तो ये एक सौ नब्बे बन जाएगा इसको तीन से काटेंगे तो छह बार कटेगा और यहां पर वैल्यू जो आएगा सिक्स जीरो एट आएगा ठीक तो उन्नीस से यदि मैं काटू तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर कट जाएगा उन्नीस से यह दस बार कटेगा और उन्नीस से इसको काटोगेगा सोलह फाइव वैल्यू क्या आप निकाल सकते हैं क्योंकि वन बाय सिक्सटीन का वैल्यू आप सब जानते हैं एक बटा सोलह जो होता है यह होता है सिक्स पॉइंट टू फाइव तो अगर मैं इसको पांच बटे सोलह करूं तो कुछ नहीं करना इसमें पांच से मल्टीप्लाई करना थर्टी तो वन पॉइंट टू फाइव परसेंटेज आ रहा है ठीक है 31.25 तो ये जो दो डी आई आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से ये जो प्रश्न है ये आपका आया था टाइम एंड वर्क के ऊपर आधारित प्रश्न है यहां दिया ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 डेज एंड 80 डेज यानी ए और बी क्रमशः किसी कार्य को 50 दिन 80 दिन में पूरा कर सकते हैं वे एक साथ काम शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद एक काम कर, करना छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य जो है वो अड़तालीस दिनों में पूरा होता है ठीक है दे द वर्क टूगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम एंड द होल वर्क इज कम्प्लीटेड इन फोर्टी डेज निकालना क्या है आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट यानी ए कितने दिनों बाद कार्य को छोड़ दिया ये हमें निकालना है तो सवाल को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं बस आप यहां पर लॉजिकली समझिए कि कार्य जो चला वो 48 डेज चला और ए जो है इनमें पूरे 48 डेज में नहीं था ए कुछ समय के बाद यहां पर चला गया मतलब देखिए 48 डेज में कि बी को पूरा कार्य करने में अस्सी दिन लगता है मतलब कार्य का कितना हिस्सा बी ने किया होगा अड़तालीस दिनों का हिस्सा किया होगा क्योंकि पूरे कार्य को अस्सी जो है अस्सी दिनों में बी पूरा कंप्लीट करता है मतलब अड़तालीस बटा 80 इतना हिस्सा कार्य बी ने किया होगा यानी अगर इसका हम अनुपात देखें सोलह से काटने पर यहां यहां तीन आएगा यानी तीन बटे काटा का तो पांच हिस्सा मतलब कि कितना दो बटे पांच हिस्सा कार्य का ए ने किया होगा बात समझ में आ रही है अब देखिए पूरे कार्य को करने में ए को कितना समय लगता है पचास दिन लगता है तो टाइम जो जितने समय के लिए ए रहा होगा क्योंकि देखिए जो बचा हुआ कार्य वही तो ए करेगा ना अगर तीन बटा पांच हिस्सा बी कर रहा है तो बचा हुआ कार्य दो बटा पांच हिस्सा जो है वो ए करेगा पूरे कार्य को ए जो है वो कितने दिन में करता है कंप्लीट तो वो पचास दिन में करता है तो इतने कार्य को दो बटे पांच हिस्सा को करने में कितना समय लगेगा तो दो बटे पांच मल्टीप्लाइड पचास इसको अगर मैं पांच से काटू तो दस आ रहा है मतलब कि बीस दिन में

एक समान को अपने सामान को लागत मूल्य से एक्स प्रतिशत बढ़ाकर चिन्हित किया तो ये क्या है, भाई? ये आपका है। ठीक है डिस्काउंट ऑफ नाइनटीन परसेंट और उस चिन्हित मूल्य पर उन्नीस प्रतिशत की छूट देता है और उसके बावजूद उसे आठ प्रतिशत का लाभ होता है तो आपको बताना है एक्स का मान क्या ठीक है यानी नाइनटीन परसेंट डिस्काउंट देता है एंड Also, he has a profit of 8 percentage, तो आपको बताना का मान क्या है? है एक formula जो इन सभी चीजों को connect करती है, वो प्रॉफिट ठीक है डिवाइडेड बाय हंड्रेड माइनस परसेंटेज डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इन चार चीजों में से कोई तीन चीज दिया है तो चौथा चीज निकालना बहुत आसान है और यहां आपको दिया है कि कॉस्ट मतलब तो प्राइस यहां तक क्लियर है बातें इसके बाद समझिए कि राइट हैंड साइड में क्या होगा यहां पर देखिए मैंने सो मान लिया कॉस्ट प्राइस को तो यह सौ प्लस एक्स होगा क्योंकि आप एक्स परसेंट से बढ़ा रहे हैं दूसरी बात प्रॉफिट आठ परसेंट किया तो यह हो जाएगा हंड्रेड प्लस एट एक सौ आठ आएगा ठीक साथ में आपने उन्नीस परसेंट का डिस्काउंट दिया तो हंड्रेड में उन्नीस माइनस करोगे तो मतलब आपने यहां पर वैल्यू को कितना बढ़ाया आपका जवाब होगा हमने एक तिहाई बढ़ाया और आप यहां देख रहे सौ से बढ़कर एक्स से बढ़ रहा है मतलब एक्स का मान कुछ और नहीं है यहां पर एक तिहाई बढ़ाना है मतलब सौ डिवाइडेड बाय तीन ये इसका उत्तर हो जाएगा थर्टी थ्री वन बाय थ्री परसेंट क्योंकि एमपी बाय सी पी का मतलब क्या होता है कि आपने यहां पर किसी चीज को बढ़ाया है और हम यहां देख रहे हैं कि तीन से बढ़कर चार हुआ मतलब एक बढ़ा एक बढ़ा तीन में तो एक बढ़ा तीन का परसेंट वैल्यू जो है, 1 by 3 into 100 होता है जो की थर्टी थ्री वन बाय थ्री परसेंट है क्लियर यहां तक समझ में आ गया चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर अगला सवाल देखते हैं ये जो है आपके एलजेबरा से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि यहां क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ तो सिंपल है एक फॉर्मूला होता है एल्जेबरा में इस फॉर्मूले को आप नोट करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ठीक यह फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड सवाल था इसमें आपको समझना है इफ अगर ए प्लस बी प्लस सी जब जीरो हो जाता है जैसे ही यह जीरो हो गया तो ये राइट हैंड साइड वाला ए प्लस बी प्लस सी जीरो या जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया इस केस में क्या होता है ये वाला टर्म जीरो जाता है दोनों में से कोई भी एक कंडीशन बन गया मतलब ये पूरा जीरो हो जाता है मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है माइनस थ्री ए बी सी जीरो हो जाता है क्योंकि इस वाले केस में ये जीरो हो जाता है इस वाले केस में ये जीरो हो जाता है मतलब ये इसके बाद रिजल्ट मिलता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए जिसको हम रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं थ्री ए को दूसरे तरफ भेज दोगे तो इज इक्वल टू थ्री ए अब जब सवाल आप देखेंगे तो सवाल में आपको कंडीशन दिया हुआ है ए क्यू प्लस बीक्यू प्लस इक्ल टू थ्री एबीसी भी आपको कंडीशन दिया जीरो तो तो होगा या तो यह सच होता है कि a B C होगा। दोनों में से कोई एक सच होता है ठीक तो अगर कंडीशन ऐसा दिया है तो हम क्या कर लेंगे पहले हम चेक कर लेंगे कि क्या ए प्लस बी प्लस सी करने पर जीरो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो a इक्वल टू बीज इक्वल टू सी में डेफिनेटली आंसर आ जाता है तो पहला कंडीशन यहां देखेंगे कि यहां आप देख पा रहे हैं कि ए क्यूब यह है

माइनस का चार प्लस का दो और प्लस का एक मतलब माइनस चार प्लस तीन है यानी माइनस का एक इज इक्वल टू तो जीरो अगर छह एक्स इज इक्वल टू तो एक भेजेंगे दूसरी तरफ वन आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू तो वन बाय सिक्स आ रहा है तो वन बाय सिक्स है ऑप्शन सी यही आपका उत्तर हो जाएगा इस केस में ठीक है समझ में आ रहा है अगर यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन दे देता है एग्जामिनर कि एक्स बराबर वन बाय सिक्स नहीं है उस केस में आप सेकेंड वाले मतलब कि जो मैंने ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था स्कवायर स्क्वायर रूट ऑफ सिक्स प्लस स्वायर रूट ऑफ सिक्स इस तरीके से आपको क्या करना है बस देखना है छह जो है तीन गुण दो है जब ऐसे दो

प्रतिशत लड़कियों को प्रवेश मिला मतलब दो सौ का तीस प्रतिशत साठ हो, होता है साठ को प्रवेश मिला तो बचे हुए एक सौ चालीस को प्रवेश नहीं मिला होगा तो प्रवेश न पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत बताना है कुल हमारे पास उम्मीदवार कितने सौ प्लस दो सौ यानी तीन सौ प्रवेश न पाने वाले जो है पचपन प्लस इतने हैं मतलब वन नाइन्टी फाइव है सवाल में यही पूछ रहा है सवाल में यही पूछ रहा है कि ये जो वन नाइनटी फाइव है ये टोटल का कितना प्रतिशत है तो वन नाइन फाइव डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाईड बाय 100 कर लेंगे तो दो जीरोस तो यहीं से कट गए तीन से काटोगे तो 6 बार 18 18 के बाद एक बच रहा है मतलब पंद्रह। तो 65% जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है इसका सही उत्तर जो है वो है आपका सी ऑप्शन क्लियर यहां तक समझ में आ गई बात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस ये जो है अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस का इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूं इसको समझिएगा और ये आंसर जो है इसका एक लाइन में आप लिख सकते हैं डायरेक्टली मैं आपको उत्तर बता देता हूं इसका पहले रिजल्ट आप नोट डाउन कर लीजिए यहां से आप समझेंगे कि सपोज करिए ये पॉइंट p है ये पॉइंट q है ठीक है p से q की ओर एक गाड़ी निकलती है स्पीड a से सेम टाइम पे यहां पर q से p की ओर दूसरी गाड़ी निकलती है स्पीड b से मतलब ये दोनों इधर से इधर जा रहे हैं एक जा रहा है पी से क्यू दूसरा जा रहा है क्यू से पी बीच में कहीं ना कहीं ये लोग मिलेंगे एक जगह पे आर कोई एक पॉइंट रहेगा ऐसा जहां पे ये लोग मिलेंगे अब देखिए यहां पर मिलने के बाद क्या होगा ये जो ए है ये आर से क्यू की जगह जाएगा स्पीड ए से क्योंकि इसको इसका गंतव्य है क्यू और बी जो है इसका गंतव्य क्या है तो पी है तो ये बी जो है आर से निकल के पी की ओर जाएगा स्पीड बी से ठीक अब समझिए यहां से थोड़ा सा केयरफुली समझना कि यहां से ए को

और बी ऊपर चला जाएगा ये डायरेक्ट रिलेशन है इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आता है इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है ठीक है तो चलिए आइए समझते हैं इसको कैसे हल करना है यहां पर आप समझेंगे थोड़ा सा देखिए यहां कि ए और बी जो है स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू टू 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 पी रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी इन आवर्स एंड एट वन तो पी ए है क्यू पॉइंट ये है यहां से ये स्पीड ऐसे निकला एक व्यक्ति और यहां से स्पीड भी से निकला दूसरा व्यक्ति आपको दिया हुआ है स्पीड भी जो है ये 36 है 36 के स्पीड से निकला 36 किलोमीटर पर आवर से ये लोग किसी पॉइंट पे मिले ठीक है एक पॉइंट पे कहीं पर मिले और आफ्टर क्रॉसिंग इच अदर यहां से ए को जाने में जो समय लगता है इसको लगता है छह घंटे का और बी को जो समय लगता है वो आठ से ही एक बटा छ घंटे लगता है आठ से एक बटा छह मतलब अड़तालीस प्लस एक करोगे तो फोर्टी नाइन बाई सीडी है है कि स्पीड स्पीड ए बाय बी जो है, वो स्क्वायर रूट ऑफ हो जाता है टी ए यहां पर आएगा और टी बी यहां पर आएगा तो पहला वाला ए को कितना लगा ए को लगा घंटे तो यहां नीचे वाले में हम लिख लेंगे छह घंटा बी को कितना लगा तो फोर्टी नाइन बाय सिक्स तो इसके जगह पर मैं क्या लिख दूंगा फोर्टी नाइन डिवाइडेड बाय सिक्स मतलब छह यहां पे आ जाएगा

प्रश्न है अगर रिजल्ट आपको पता है तो आप फटाफट सॉल्व करेंगे नहीं पता है तो यहां पर आप फंस जाएंगे इसको सॉल्व करने में ठीक है एक रिजल्ट है डायरेक्टली एक लाइन का उत्तर है लेकिन उसको समझना जरूरी है कि यहां पर शॉर्ट ट्रिक कहां लगाना है इस प्रश्न में चलिए आगे बढ़ते हैं मतलब कि कुछ कक्षा है इस कक्षा में छात्रों का जो छात्रों ने इतना रुपया की राशि दान में दी गई थी यदि प्रत्येक छात्र के कक्षा में कुल छात्रों की संख्या जो है यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल संख्या के बराबर रुपए दिए तो बताना है कि यहां पर कक्षा के छात्र कितने थे यानी कि देखिए हर एक छात्र जो है उतना ही रुपया दे रहा है जितने छात्र हैं और टोटल सम इतना है हम ये बात जानते हैं सम इज़ इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर तो प्रत्येक छात्र ने जितना पैसा दिया वही तो एवरेज कहलाता है मतलब जितना छात्रों ने दिया मल्टीप्लाइड बाय जितने छात्र थे ये दोनों का मान थ्री नाइन सिक्स नाइन है ठीक थ्री नाइन सिक्स नाइन और इसको देखते साथ आपको समझना होगा कि ये किसका स्क्वायर है तो यह है 63 का स्क्वायर क्योंकि आप देखिए यहां लास्ट में सिक्सटी नाइन आ रहा है और सिक्सटी नाइन कैसे आता है सिक्सटी नाइन आता है भाई तेरह के स्क्वायर से जो कि लास्ट में वन सिक्सटी नाइन देता है तो पचास में आप जब 13 जोड़ोगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगा वो यहां पर सिक्सटी थ्री होगा क्योंकि आप देखिए पचास के बेस में या सौ के बेस में आप जब नंबर को लेंगे तो पचास प्लस माइनस तेरह या फिर सौ प्लस माइनस तेरह के आसपास वैल्यू होगा और जैसे ही दिखा यहां दिखाई थ्री तो वैल्यू सिक्स थ्री का ही स्क्वायर हो सकता है बाकी कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि तेरह के स्क्वायर में लास्ट में सिक्सटी नाइन आता है और यहां पर सिक्सटी नाइन देने वाला एकमात्र नंबर संभव जो है वो पचास प्लस तेरह है ऑप्शन को देखकर जो कि सिक्सटी थ्री दिखाई दे रहा है ठीक है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका आधारित है किसके ऊपर तो मीन मीडियन मोड के ऊपर आधारित है समझना होगा आपको यहां पर मीन का मतलब क्या होता है ठीक है और मीडियन का मतलब क्या होता है मीडियन निकालना है आपको इस डेटा का और मीन निकालना है और इन दोनों के बीच का अंतर आपको निकालना है देखिए मीन का मतलब कुछ और नहीं होता है मीन का मतलब डायरेक्टली होता है एवरेज निकालना तो देखिए एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना है डायरेक्टली सम निकालना है सबका और डिवाइडेड बाय जितनी संख्या है उतनी संख्या से आपको डिवाइड कर देना है यानी सम टोटल वैल्यूज का सम आप निकालेंगे डिवाइडेड बाय जितनी नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे तो सिंपल है अगर मीन निकालना है तो बहुत आसान सवाल हो गया क्योंकि मीन क्या है इन सबको जोड़ना अब देखिए जोड़ने में भी थोड़ा स्मार्टली सोचिए हमारे पास तीन यहां पर है तो तीन के साथ सत्ताईस है तीन और सत्ताईस को जोड़ने पर तीस आता है प्लस अगर यहां पर नौ है तो नौ के साथ एक इक्कीस देख रहा है इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर से तीस आएगा प्लस ठीक है इसी प्रकार देखिए अगर यहां ग्यारह है ग्यारह और उन्नीस है ग्यारह उन्नीस को जोड़ने पर तीस आता है इसको भी जोड़ दिए ठीक है सात है सात के साथ तेवीस है सात के साथ तेईस जोड़ोगे तो फिर से तीस आएगा अब आठ है आठ के साथ बारह आठ के साथ बारह को जोड़ोगे तो बीस आ गया बच गया क्या यहां एक पांच और एक चौदह बच गया तो इन दोनों को अलग जोड़ लेते हैं पांच और चौदह को अलग अलग जोड़ोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा उन्नीस आ जाएगा डिवाइडेड बाय अब कितने वैल्यूज है एक दो तीन चार पांच यानी कि पांच का हमने दो दो वैल्यूज जोड़े थे यानी दस और यहां दो और यानी बारह वैल्यूज है टोटल बारह है इसको बारह से घटा देते हैं ठीक है यानी डिवाइड कर लेते हैं, हैं। बांट देते को 9, 12, 159 12, इसका इतना आ गया? एक बार कटेगा बारह से फिर थर्टी नाइन आ रहा है तो थर्टी सिक्स जो है तीन बार कटेगा इसके बाद तीन रिमाइंडर बचा मतलब वन बाय फोर आ रहा है पॉइंट टू फाइव 13.25 जो है इसका एवरेज वैल्यू हो गया मीन का तो मीन हमने निकाल लिया मीन कितना है, आपका ये है भाई, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना जरूरी है तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाऊ तो सबसे पहले आएगा तीन तीन के बाद आएगा सात पांच सॉरी तीन के बाद आएगा पांच पांच के बाद आएगा सात सात के बाद आएगा आठ आठ के बाद दिख रहा है यहां पर नौ ठीक है नौ के बाद ये ग्यारह आएगा ठीक है इसके बाद ग्यारह के बाद क्या आ रहा है चौदह तो चौदह के, के बाद यहां पर दिखाई दे रहा है उन्नीस नाइनटीन ठीक नाइनटीन के बाद क्या है तो ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन के बाद एक ट्वेंटी थ्री दिखाई दे रहा है और ट्वेंटी थ्री के बाद लास्ट में एक ट्वेंटी सेवन और आएगा ठीक तो आप सात आठ नौ दस ग्यारह सारे वैल्यूज आए कि नहीं।, नहीं तो बारह वैल्यूज ऊपर भी है बारह वैल्यूज हैं टोटल तो यहाँ पर मिडिल टर्म दो निकल के आते हैं क्योंकि यहाँ पर आप दो मिडिल टर्म होंगे छठा और सातवां वैल्यू यहाँ से एक दो तीन चार पांच छह ये वाला मिडिल टर्म आएगा ये ग्यारह और पीछे से भी देखोगे एक दो तीन चार पांच छह तो जब सम समख्या होती है तो दो मिडिल टर्म होते हैं जब विषम संख्या होती है तो एक ही मिडिल टर्म होता है लेकिन क्योंकि यहां है तो दो मिडिल टर्म होंगे इन दोनों का जो एवरेज हो जाएगा यानी ग्यारह और बारह का जो एवरेज हो जाएगा इलेवन पॉइंट फाइव ये हमारा कहलाएगा ओवरऑल मीडियन मतलब मीडियन कितना है मीडियन है इलेवन पॉइंट फाइव अब इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए ठीक है पांच में से जीरो में से पांच गया तो बचा सात और यहां पर एक. है इन दोनों का जो है सवाल का सही उत्तर ठीक है एक आखिरी प्रश्न देख लेते ठीक है ये आपका आखिरी प्रश्न है थर्टी नंबर का क्वेश्चन अगेन ये मैं प्लस मैं प्लस परसेंटेज का कंबाइंड क्वेश्चन है तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज चेंज सक्सेसिव परसेंट उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो इसको समझिए यहां पर क्या दिया हुआ है आप देख पा रहे हैं यहां पर एक घन है इसके प्रत्येक भुजा को के सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाती है तो इसके सतह में कुल पर, पर, आ, कुल क्षेत्रफल में 44 परसेंट की वृद्धि होती है तो आपको बताना है इसके आयत में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा ठीक है साइड जो है क्यूब का उसको हम के सेंटीमीटर से बढ़ाते हैं सच दैट टोटल सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीमेंट इसमें फोर्टी फोर परसेंटेज का होता है तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा अब देखिए क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब आप जैसे ही देखेंगे तो क्यूब कुछ इस प्रकार दिखता है ठीक इस प्रकार दिखता है इसके टोटल सर्फेस एरिया की बात करूं तो यह होता है भाई सिक्स ए स्क्वायर और इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम होता है भाई ए क्यूब मतलब जब टोटल सरफेस एरिया बढ़ाना है तो आपको यहां पर दो बार वैल्यू चेंज करना है मतलब और के की बात करूं तो अगर मैंने यहां पर पहली बार अगर वैल्यू 100 है टोटल सरफेस एरिया का प्रारंभिक मूल्य 100 है आपने इसको कितने से बढ़ाया 44 परसेंट से तो ये 144 हो जाएगा और क्योंकि यहां पर सिक्स ए स्क्वायर है तो जो भी वैल्यू है जिस वैल्यू से आप इसको इंक्रीज कर रहे हंड्रेड है, अगर यह 100 है तो ये 100 x हो जाएगा ये दो बार चेंज होगा ऐसा तो मैं यहां पर स्क्वायर कर लेता हूं ठीक इसको देखते साथ क्या समझ में आ रहा है कि ये भाई 10 और 12 का होल स्क्वायर मतलब कि ये जो x है इस x का मान जो है वो 20% होगा 20% इसलिए क्योंकि पहले 10 है तो अब 120 हो गया यानी कि 12 हो गया मतलब 100 से 120 हो गया मतलब आपने इस a को

मतलब कि ये अगर पहले एक हजार था तो अब बारह का क्यूब हो जाएगा मतलब 1728. मैं इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए डिनोमिनेटर को सौ बनाता हूं तो यहां डेसिमल हो गया मतलब सौ में कितनी बढ़ोतरी हुई तो सेवेंटी एट की और सौ में जितने की बढ़ोतरी होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं सेवेंटी टू पॉइंटेज ठीक है तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में मैंने आपको दो तरीके बताए थे एक तो फॉर्मुला वाला अप्रोच था दूसरा विदाउट फॉर्मुला वाला अप्रोच सक्सेसिव परसेंट चेंज में जिसमें इसके हरों को हम प्रारंभिक मूल्य ले लेते हैं तो अगर टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया की बात करूं प्रारंभ में सौ था तो इसको आपने कितने से बढ़ाया से बढ़ाया तो वन है कि होगा दस अनुपात बारह का होल स्क्वायर है मतलब एक एक जो साइड है वो 20 -20 से बढ़ा होगा तो क्यूब में जब आओगे तो अगर पहले सौ था तो अब एक होगा इसका आप घन कर लेंगे क्यूब ले लेंगे तो पहले एक हजार था तो वन सेवन टू एट होगा टू पॉइंट एट परसेंटेज से आपका यहां पर एरिया वॉल्यूम बढ़ेगा ठीक है तो देखिए मैंने यहां पर सारे क्वेश्चंस डील किए पैतीस के पैतीस क्वेश्चन ठीक है और इसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई शुरू से आखिरी तक कि वैल्यूज को कैसे सॉल्व करना है कहां पर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं तो आप खुद सोचिए कि यहां पर 33 परसेंट लाना आपका मेन मोटिव है तो आप ऐसे एरियाज को चूज करिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी मैंने पांच सालों को आपको करवाया है ठीक है और अभी इस पेपर में थोड़ा सा जो चेंज हुआ वो ये कि डेटा इंटरप्रिटेशन कम करके जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं जैसे ज्योमेट्री हो गया एल्जेब्रा हो गया ट्रिग्नोमेट्री इससे आपके सवाल पूछेगा वो भी एल्जेब्रा में भी आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया ठीक है तो एस एस सी के पैटर्न में ज्यादा यहां पर देखा जा रहा है कि क्वेश्चन आपके जो सी जी पी एस सी का जो है वो एस एस सी के तरफ आपका जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मेंस लेवल के क्वेश्चन वो आपके यहां पर प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं ठीक तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर हम लोग ने फॉर्मूला सीख लिया और हम आगे बढ़ गए ऐसा नहीं चलेगा आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है थोड़ा सा आपको गहराई पर जाना पड़ेगा मैथ्स को समझने के लिए ठीक है और इसी वीडियो के साथ मैं अब यहाँ पर रोकता हूँ बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था कि सर ये ये सवाल बताइए वो सवाल बताइए और कुछ लोगों ने वीडियो सोल्यूशन भी देना को कहा गया था तो आप सभी का जो डिमांड है वो यहाँ पर पूरा हमने कर दिया है इस पूरे वीडियो सोल्यूशन के जरिए पूरा आप देखिएगा जो भी सवाल है सेट ए के हिसाब से अरेंज्ड है आपको हो सकता है दूसरा सेट मिला होगा तो इन्हीं कुछ बातों के साथ आप इसको देखिए शुरू से आखिरी तक थैंक यू सो मच इस वीडियो में इतना ही